कर रहा है, अपना दादा बेवन कड्डी करता था, दादा का दादा बेवन कड्डी करता था, अपन बेवन कड्डी करेगा। और बेवन कड्डी क्यों करना है उसका, उसके पास बहुत अच्छा लॉजिक है। वो बोलेगा गुड़ी पाड़वा को, उगादि को हमारे घर में जब ही प्रसादम बनता है तो बेवन यले होता है, इट मीन्स बेवन यले पवित्र है, इट मीन्स बेवन कड्डी पवित्र है, इसलिए मैं बेवन कड्डी करता हूं। बात खत्म। उसको कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं, कोई हिस्ट्रिकल। सिमिलरली कोई तो अनएजुकेटेड इंडियन सिटीजन है, वो तो स्नान करेगा, स्नान करेगा। मैक्सिमम अनएजुकेटेड इंडियन सिटीजन कभी सोप से स्नान नहीं करता, मैक्सिमम। वो कैसे करता है, वो गांव में तालाब होता है ना, तालाब में मिट्टी होता, मिट्टी को रगड़ के स्नान कर, ठीक है। मोस्ट साइंटिफिक तो यही है, क्या है, मिट्टी जो होता है ना, सॉइल, सॉइल जो है सरफेस टेंशन को रिलीज करता है, और सरफेस टेंशन रिलीज होता है तो सारा डस्ट पार्टिकल बाहर आता है, तो सॉइल को शरीर में लगाने से सबसे अच्छा सफाई होता है, गंदगी सारा निकलता है, साइंटिफिक तो ये। इसलिए वो सोप यूज नहीं करता, वो सॉइल से करता है, मुल्तानी मिट्टी से करता है, घर में चने का आटा है उससे करता है, या तो कुछ दूध से करता, किसी से, वो अनएजुकेटेड है, वो ये करता है। वो कभी लक्स नहीं लगाता, कभी भी लाइफ बॉय नहीं लाता, कभी भी लिरिल रेक्सोना नहीं लाता, वो इस तरह से स्नान कर, तो इंडियन इकोनॉमी को तो वही बचाता। फिर अभी उसको शूज खरीदना, बूट खरीदना है, वो कभी बाटा के शॉप में नहीं जाता, वो उसका गांव का जो शू मेकर है, जो कॉबलर है, उससे खरीद के लाता है। वो थोड़ा कमजोर भी देता तो भी वो वहां से लेता है। क्यों लेता है? मैंने बहुत बार भारतीय रहित नागरिक को पूछा, आपका जो बूट है वो आप गांव के शू मेकर से लेता है, आपके गांव के बाजू में शहर में बाटा का शॉप है, वहां से नहीं लेता, क्यों नहीं लेता? वो कहता बाटा का शॉप में जो सेल्समैन है उसका मेरा कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं, और ये गांव का जो शू मेकर है इससे मेरा रिलेशन है। वो रिलेशन को बेस करके बात करता, वो ये बात नहीं करता उसमें क्वालिटी है इसमें नहीं है, उसमें शाइनिंग जाती है इसमें शाइनिंग कम, वो शाइनिंग में नहीं जाता, क्वालिटी में नहीं जाता, पैकिंग में नहीं जाता, प्राइसिंग में नहीं जाता, वो रिलेशन में जाता। क्या रिलेशन है इसका? वो बोलता है इसका सबसे बड़ा रिलेशन ये है कि मेरा घर में जब ये भजन होता है तो ये आता है, इसके घर में भजन होता है तो मैं जाता है, हम दोनों मिलके बसवन्ना का पूजा करता है, बसवन्ना का भजन गाता है, उनका वचन गाता है, ये रिलेशन, ये जो रिलेशन है ये बहुत स्ट्रांग होता है, ये रिलेशन कोई ब्रेक नहीं कर सकता। इसलिए वो शूज खरीदेगा लोकल कॉबलर से, भले वो टूटेगा, फिर खरीदेगा, फिर टूटेगा। एक बार मैंने भारत का एक सिटीजन को, रहित नागरिक को पूछा, तुम्हारा शूज तो कितना दिन चलता है? उसने कहा मैक्सिमम आर तिंगड़ा, 6 मंथ्स चलता है, फिर टूटता है, फिर दोबारा लेता है, फिर टूटता है। मैंने कहा बाटा का जो शू है वो तो 6 ईयर चलता है। उसने कहा वो यूजलेस, मेरा काम का नहीं। उसने पूछा, मैंने पूछा क्यों? अभी उसने मुझे इतना इंटेलिजेंट आंसर दिया, अनएजुकेटेड मोस्ट इंटेलिजेंट, वो मुझे उत्तर दिया, अभी मैं इसका शूज खरीदता है, ये 6 मंथ्स में टूटता है तो उसको नया शूज बनाने के लिए जॉब मिलता है। अभी मैं इससे शूज खरीदेगा, 6 ईयर्स वो टूटेगा नहीं, इसका जॉब खत्म हो जाएगा, इसको जॉब देना है, इसलिए ये टूटना कंपलसरी है, इसलिए मुझे इससे शूज लेना कंपलसरी। ये इंटेलिजेंसी कोई एजुकेटेड इडियट को नहीं है, वो अनएजुकेटेड व्यक्ति को है। तो भारत क्यों कॉलेप्स नहीं हुआ लास्ट 14 ईयर्स में? इसलिए यहां जो अनएजुकेटेड इंडियन सिटी, वो टीवी फॉलो नहीं करता, वो बसवन्ना को फॉलो करता है। एक गांव में, मैं अभी हुबली धारवाड़ का नजदीक में एक गांव उपिन बेड़गेरे में एक बार उपन्यास करने गया, वहां बंद फार्मर को मैंने प्रश्न किया, आप शूज खरीदते हैं, आपका गांव का शू मेकर से खरीदते हैं, ये आपका गांव का जो शू मेकर है इससे आप शूज खरीदते क्यों, क्वालिटी अच्छा है? उसने कहा नहीं नहीं क्वालिटी का नहीं, फिर इसका शाइनिंग अच्छा नहीं, उसका पैकिंग अच्छा नहीं, वो बॉक्स में पैक करके देता है नहीं, फिर क्या है, बेस क्या है? वो बोलता बसवन्ना ने कहा। मैंने पूछा बसवन्ना ने क्या कहा? उसने कहा बसवन्ना ने एक पार्लियामेंट बनाया था, वो पार्लियामेंट में शू मेकर, कॉबलर्स, जुलाहा, लोहार सभी लोग आया था, वो लोगों ने कुछ प्रीचिंग किया था, वो बसवन्ना का प्रीचिंग हो गया। अभी बसवन्ना ने इन सबको लाया, शू मेकर को लाया है, कोई जूता बनाने वाले को लाया, चप्पल बनाने वाले को लाया, कपड़ा बनाने वाले को लाया, इन सबको बसवन्ना ने इकट्ठा किया। क्यों किया? मैंने उसको बोला आप बताओ क्यों किया?
उसने कहा इसलिए कि ये जो क्लास है मोस्ट इंटेलिजेंट क्लास। मोस्ट इंटेलिजेंट क्यों है? क्योंकि ये शास्त्र नहीं पढ़ता। हाँ, आंसर देखो, मैंने उसको पूछा ये मोस्ट इंटेलिजेंट क्यों, उसने कहा ये शास्त्र नहीं पढ़ता, ये ऋग्वेद नहीं पढ़ता, यजुर्वेद नहीं पढ़ता, सामवेद नहीं पढ़ता, अथर्वेद नहीं पढ़ता, उपनिषद नहीं पढ़ता, भगवत गीता नहीं पढ़ता, ये कुछ पढ़ता नहीं है, इसलिए इंटेलिजेंट है। फिर मैंने पूछा और बोलो, उसने नेक्स्ट आंसर दिया, ओ मार्वलस, उसने कहा कि जो कुछ शास्त्र में लिखा हुआ है उसको ये आचरण करता है, पढ़ता नहीं, इसलिए मोस्ट इंटेलिजेंट ये क्लास, इसलिए मैं इससे शूज खरीदता है क्योंकि ये इंटेलिजेंट। अभी इतना ज्ञान अनएजुकेटेड क्लास को है। मुझे बहुत खुशी है कि भारत में लिटरेसी रेट अभी 50% है, बहुत खुशी है मुझे। जब ये लिटरेसी रेट 100% हो जाएगा, इंडियन इकोनॉमी कॉलेप्स। लिटरेसी मींस क्या? लिटरेसी मींस ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, पी फॉर पेप्सी, सी फॉर कोका कोला, एल फॉर लाइफ बॉय, बी फॉर बाटा, ए फॉर एडिडास, ये चालू हो जाएगा। जब भी लिटरेसी आएगा तो क्या आएगा? यही आने वाला है ना। तो अच्छा है वो इलिटरेट है लेकिन इंटेलिजेंट। तो इंडियन इकोनॉमी का जब भी मैं स्टडी किया लास्ट 12 इयर्स का, मुझे तो ये उत्तर मिल गया कि इंडियन इकोनॉमी अभी भी कॉलेप्स नहीं हुआ, ड्यू टू अवर फार्मर्स, ड्यू टू अवर लेबरर्स, ड्यू टू अवर आर्टिजन्स, रूरल आर्टिजन्स जो गांव गांव में रहता है। 35% हमारा पूरा पॉपुलेशन में आर्टिजन्स है, क्लासिकल आर्टिजन्स है, हाथ से कुछ करता है, अकल का इस्तेमाल करता है, आंख का इस्तेमाल करता है, कुछ कुछ अच्छा अच्छा बनाता है, डिजाइन करता है, ये 35% है। और 70% हमारा फार्मिंग क्लास है। ये सारा मिला के भारत में ऐसा ग्रुप बन गया है कि ये कभी कोलैप्स नहीं होने देता इकोनॉमी को। कोई भी फॉरेन कंपनी आता है वो इमीडिएट उसके पीछे नहीं जाता। आपने किसी भारतीय रहित नागरिक को पिज्जा खाते देखा? पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कूल डॉग खाते देखा कभी? नहीं। लेकिन MBBS, BTech, MTech डिग्री होल्डर को आप खाते देखेगा, पिज्जा भी खाएगा, बर्गर भी खाएगा, हॉट डॉग भी खाएगा, कूल डॉग भी खाएगा, भले वो टेस्टलेस है फिर भी खाएगा, स्टेटस सिंबल के लिए खाएगा। मैं बेंगलोर में जाता हूं उपन्यास करने का, जो लोग फार्मिंग फैमिली से आके इंजीनियरिंग पढ़ता वो पिज्जा खाता, उसका ताई तंदे नहीं खाता, उसका ताई तंदे इडली खाएगा, सांभर खाएगा, बड़ा खाएगा, रसम पिएगा, सब कुछ करेगा, जो कुछ है वो इंडियन करेगा, और उसका जो सन है, डॉटर है जो इंजीनियरिंग कॉलेज, वो पिज्जा खाएगा, बर्गर खाएगा, दारू भी पिएगा, सिनेमा भी देखेगा, ऑनलाइन लॉटरी भी खेलेगा, सब करेगा। अर्थात भारत का 10% क्लास ही फॉरेन कंपनीज को फॉलो करता है, इसलिए इंडियन इकोनॉमी कॉलेप्स नहीं हुआ। और अभी हमको करना क्या है? अभी हमको करना यह है कि इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है। अगर तो ये जो 90% क्लास है, जो इंडियन क्लास है, भारतीय है, ये इसको और ज्यादा ताकतवर करना, स्ट्रेंथन करना, तभी ये ऑनस्लॉट जो ग्लोबलाइजेशन का हम इससे फाइट कर सकते हैं। इसको स्ट्रेंथ करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? वो स्ट्रेंथन करने के लिए वही करना जो फार्मर करता, उसका डेली लाइफ का रूटीन देखना, वो क्या कर रहा है वही आप करना। सपोज करिए वो मॉर्निंग में सुबह उठता है, बेबिन कड्डी करता है, आपको बेबिन कड्डी करना, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, बहिष्कार करना, बेबिन कड्डी करना। यदि वो मॉर्निंग में उठ के अपना शू मेकर के पास जाके शूज खरीद के लाता है, तो आप भी वही शू मेकर से शूज लेना जिससे फार्मर्स लेता है। सपोज करिए गुलबर्गा, गुलबर्गा में शूज बेचने वाला बाटा, BSC, प्यूमा, एडिडास, बटरफ्लाई, बड़ा बड़ा कंपनी का शॉप है, उसमें नहीं जाना। आप कर्नाटक का, गुलबर्गा का जो स्मॉल शू मेकर्स है, यहाँ तो सभी जगह में देखता हूँ छोटा छोटा शू मेकर्स है, उसमें जाके लाना, और वो थोड़ा वीक है शू तो भी लाना, वो टूटेगा तो उसको बिजनेस मिलेगा, सेकंड टाइम फिर बनाएगा, थर्ड टाइम। उतना इंटेलिजेंसी फार्मर को है, वो आपको भी होना चाहिए। अगर उसने सपोज करो परमानेंट शू दे दिया बना के जो 10 ईयर्स तक टूटता ही नहीं है, वो भूखा मर जाए। तो थोड़ा वीक है, कमजोर है, तो भी वहां से लाना। सिमिलरली हमारा फार्मिंग क्लास ये जो क्लोथ्स खरीदता है, साधारण भारतीय दुकानों से खरीदता है, सूती क्लोथ्स खरीदता है, खादी क्लोथ्स खरीदता है, वो आप भी करना। आप वही करना जो फार्मर्स करता है,
तो आप भारतीय समाज को बचा सकते हैं। एक ही बात फार्मर्स को नहीं करने का है जो वो कर रहा है, बाकी वो सब अच्छा करता है। इंडियन फार्मर्स कभी खराब नहीं किया आज तक, उसने एक ही बात गलत कर दिया, वो भी उसको मिस एजुकेट किया तब किया उसने। वो क्या किया, केमिकल फार्मिंग स्टार्ट कर दिया, यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट। और ये मिसलीडिंग किसने किया, इंडियन एजुकेटेड इडियट क्लास ने उसको मिसलीड किया। ये हमारा जो एजुकेटेड इडियट क्लास है उसमें साइंटिस्ट भी है, टेक्नोक्रेट्स भी है और पॉलिसी मेकर्स भी है। ये फार्मर्स को बोला तुम यूरिया डालो, डीएपी डालो, सुपर फॉस्फेट डालो, प्रोडक्शन जास्ती होगा, जास्ती प्रोडक्शन होगा तुम्हारा परचेसिंग कैपेसिटी जास्ती होगा, तुम्हारा बहुत ज्यादा पैसा आएगा, तुम बहुत ज्यादा बिलियनर मिलियनर हो जाएगा, ऐसा उसको बोला 1960 से बोला। और इसको बोलने के लिए भारत देश का मोस्ट प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसका थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट गांव गांव जाके ये सबको बोला। तो फार्मर्स ने थोड़ा सोचा कि ये इतना बड़ा साइंटिस्ट है, बोलता है, चलो करके देखो। उसने यूरिया डीएपी डालना शुरू किया और जैसे ही उसने डाला तो वो विशेष सर्किल में फंस गया। विशेष सर्किल क्या है, आप यूरिया डीएपी अगर डालेगा तो 100% पेस्ट आएगा, जंतु आएगा, कीट आएगा, 100% आएगा। वो जंतु को कीट को मारने के लिए फिर आपको पेस्टिसाइड लगेगा, फिर पेस्टिसाइड आपने डाला उसका साइड इफेक्ट कम करने के लिए अगेन यूरिया लगेगा, डीएपी लगेगा, सुपर फॉस्फेट लगेगा, और यूरिया डीएपी के बाद फिर पेस्टिसाइड लगेगा। ऐसा विशेष सर्किल में फंस गया फार्मर, और उस विशेष सर्किल ने आज उसको यहां तक पहुंचा दिया है कि वो आत्महत्या कर रहा है, देश को बचा रहा स्वयं आत्महत्या कर। वो चाहता तो सभी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट की हत्या कर सकता है जिसने उसको मिसलीड किया। यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट बोलने का किसने कहा उसको, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, धारवाड़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने कहा, बेंगलोर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कहा, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कहा। अभी फार्मर को ये जब बात समझ में आता है, मैं अभी गांव-गांव जाता हूं फार्मर्स का, मैं अभी गांव-गांव जाता हूं और भारत के किसानों का शिविर करता हूं। वो शिविर में जब उनको मैं माहिती देता हूं कि ये यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट यूजलेस है, इसका कुछ आवश्यकता नहीं है भूमि को, वो पूछता है क्यों आवश्यकता नहीं है, मैं उसको सिंपल माहिती देता हूं कि जब भी हम सीड डालते हैं, सीड जर्मिनेट होता है, प्लांट होता है, प्लांट में केनोपी आता, उसका येले आता, लीफ आता है। जैसे ही प्लांट में केनोपी आ जाता है, इमीडिएट प्लांट सूर्य प्रकाश से भोजन लेना प्रारंभ कर देता है। दिस इज साइंस, फोटोसिंथेसिस। जब ही तक उसको केनोपी नहीं है तभी तक वो भूमि से भोजन लेता है। जो दिन केनोपी आया वही दिन सूर्य प्रकाश से भोजन लेना स्टार्ट कर देता है। कोई भी प्लांट में केनोपी आने में मैक्सिमम 20 डेज लगता है, 20 दिवस। आपने जब भी सीड डाला, वो सीड डालने के 21 डेज में उसका केनोपी आ जाएगा। तो 20 डेज के लिए उसको भूमि से भोजन चाहिए, लेकिन जब 20 डेज उसको भूमि से भोजन चाहिए वो टाइम में कोई भी यूरिया डीएपी डालता नहीं। यूरिया डीएपी डालने का टाइम 21 डेज के बाद आता है, तो तुम्हारा यूरिया डीएपी तो यूजलेस। इमीडिएट समझता, हाँ बात सही, प्लांट को भोजन चाहिए, वो सूर्य प्रकाश से ले रहा है, भूमि से भोजन नहीं लेता, भूमि से सिर्फ नीर लेता है, भोजन नहीं लेता, तो फिर यूरिया डीएपी का क्या आवश्यकता है, उसको समझ में आता है। फिर वो तुरंत सोचता है अभी यूरिया डीएपी बहिष्कार करना। फिर वो सोचता है अभी हम तो हमारा हसु संगणी है, हसु मूत्र है, एमए संगणी है, एमए मूत्र है, उसका प्रयोग करेगा, तो धीरे से वो शिफ्ट हो जाता है। जैसे शिफ्ट होता है उसको रिजल्ट दिखाई देता है तो फिर वो मल्टीप्लाई करता तो और अच्छा रिजल्ट आता, तो धीरे धीरे वो विशेष सर्किल से बाहर आ जाता। फिर वही फार्मर दूसरे को तीसरे को तीसरा चौथे को ऐसे एजुकेशन स्टार्ट कर देता है। और यही कारण से अभी भारत में सावरारू फार्मर्स, थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स अभी सावियो कृषि करते हैं और अच्छा करते हैं। वो फिर दूसरे को बोलते हैं, दूसरा दूसरे को बोलता है। तो भारत का रईत नागरिकों को यदि सावियो कृषि में हम ट्रांसफर करेंगे तो ये भारत देश को बचा देंगे, इनका ताकत है देश को बचाने।
ये कैसे बचाएंगे देश को, ये ऐसे बचाएंगे। सपोज करो फॉरेन बैंक्स आया तो हम फार्मर्स को कहेंगे तुम्हारा अकाउंट फॉरेन बैंक में नहीं रखना, भारतीय बैंक में रखना। और 70% फार्मर्स है और डोमेस्टिक सेविंग सबसे जास्ती यही करता, कम से कम में खर्चा चलाना, जास्ती से जास्ती बचाना, ये इस क्लास की टेंडेंसी। फिर हमारा जो डोमेस्टिक सेविंग करने वाला क्लास है फार्मर्स, फार्मर्स के बाद आर्टिजन्स, उसको भी बोलेंगे तुम्हारा बैंक अकाउंट भारतीय बैंक में रखना, विदेशी बैंक में नहीं रखना। वो समझ जाएगा और उसको इंटेलिजेंस ही बहुत है, उसको ये सब समझने में 5 मिनट्स लगता है, 10 मिनट्स लगता है। जब भी मैं फार्मर्स को स्पीच करता हूं ना, हाफ एन आवर 30 मिनट्स के स्पीच में उसको सब समझता है। और जब भी एजुकेटेड इडियट्स को मैं स्पीच करता हूं, मूर्तास लगता, नालतास लगता, उसको पूरा गेट एग्रीमेंट दिखाना पड़ता, प्रोविजंस बताना पड़ता है, तभी वो सोचता हाँ कुछ गेट एग्रीमेंट है। लेकिन फार्मर को नहीं लगता, वो 30 मिनट्स में समझ जाता है हाँ प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन पे। तो भारत देश को यदि बचाने का है तो इंडियन फार्मर्स, इंडियन आर्टिजन्स, रूरल जो बैकग्राउंड का लोग है, इनको स्ट्रेंथन करना, इनको मजबूत करना। इनको मजबूत आप करेगा, वो आपको मजबूत करेगा। आप भारतीय रहित नागरिकों का सभी प्रोडक्ट्स लेना तो वो आपका बैंक में अकाउंट ओपन करेगा, आपको अपनी सेविंग्स देगा, आप उसको सपोर्ट करो, वो आपको सपोर्ट करेगा, तो हम देश को बचा सकता है। लेकिन ये जो क्रीमी लेयर है हमारे देश का, इसको आप सपोर्ट करेगा, ये फॉरेन कंपनीज को सपोर्ट करेगा, ये फॉरेन बैंक्स में सपोर्ट करेगा। ये इतना चीटर है, कोई भी दिन आपके यहां से अकाउंट विड्रॉ करके सिटी बैंक में ओपन करेगा, कोई भी दिन आपके यहां से अकाउंट विड्रॉ करके HDFC में ओपन करें। तो उसको भरोसा नहीं करना, आपका भरोसा फार्मर्स को, लेबरर क्लास को, आर्टिजन क्लास को, इनको ज्यादा भरोसा करना, उनको स्ट्रेंथन करना। तो उनको स्ट्रेंथन करने का सबसे सरल उपाय है, वो जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो प्रयोग करना, जो कुछ भी वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कुछ भी वो बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, वो जास्ती से जास्ती प्रयोग करना। सपोज करिए वो कब्बिन हाल प्रोड्यूस करते हैं, शुगर केन का प्रोडक्शन करते हैं, तो आपको कब्बिन हाल पीना, पेप्सी कोक नहीं पीना, क्योंकि पेप्सी कोक पिएगा प्रॉफिट अमेरिका ट्रांसफर होगा, अमेरिका तो आपको लूटने के लिए आ रहा है, तो आप उसको और स्ट्रेंथन करेगा कि और जास्ती लूटो मुझे। तो पेप्सी कोक बहिष्कार करके आप कब्बिन हाल पीना, हाल पीना, मजिगे पीना, ऑरेंज जूस पीना, पाइनएप्पल जूस पीना, ये सभी फार्मर्स से आता है। और आप जब भी फ्रेश जूस पियेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा और आपका प्रॉफिट फार्मर्स को मिलेगा, फार्मर्स वही प्रॉफिट को आपके बैंक में लाके डिपॉजिट करेगा, वो कहां लेके जाएगा, जरा सोचो। ये साइकिल, आपने कब्बिन हाल पिया, प्रॉफिट फार्मर को मिला, फार्मर आया, उसने बैंक अकाउंट ओपन किया, वो प्रॉफिट आपका बैंक में डिपॉजिट किया, अब आप उस प्रॉफिट से आपका बैंक रन कर सकते हैं। और यदि आपने कब्बिन हाल नहीं पिया, पेप्सी कोक पिया, तो प्रॉफिट फार्मर को नहीं मिलेगा, वो पेप्सी कोक को मिलेगा, पेप्सी कोक वो प्रॉफिट लेके अमेरिका जाएगा, वो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करेगा। सिंपल सफाई। यदि आपने बेविन गड्डी किया तो बेविन गड्डी का प्रॉफिट फार्मर्स को मिलेगा, फार्मर वो प्रॉफिट को आपके बैंक में डिपॉजिट करे। यदि आपका छोटा छोटा शू मेकर है, गांव गांव में जो शूज बनाता है, चंपल बूट बनाता है, उससे आप शूज खरीदेगा, बाटा से नहीं खरीदेगा, वो शू मेकर को प्रॉफिट मिलेगा, वो शू मेकर आपका अकाउंट आके बैंक में ओपन करेगा, वो पैसे को यही रखेगा, वो सिटी बैंक में नहीं जाएगा, अमेरिका तो जाने का चांस ही नहीं उसका। तो ऐसे करके हम उसको सपोर्ट करें। हमारा देश का आर्टिजन्स खादी का वस्त्र बनाता है, वो आप खादी वस्त्र खरीदेगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा, वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा कॉटन ग्रोअर फार्मर्स को और जो चरखा चलाने वाला आर्टिजन है उसको, दोनों को बिजनेस मिलेगा। और वो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो आगे फिर से और जास्ती कॉटन पैदा करेगा, और बिजनेस होगा, और जास्ती कॉटन करेगा, धीरे धीरे कॉटन का पूरे देश में मार्केट सैचुरेट कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। तो भारत का कॉटन ग्रोअर माने रहित नागरिक और भारत में कॉटन को मदद करके वस्त्र बनाने वाला जो आर्टिजन, दोनों को प्रॉपर्टी, दोनों का परचेजिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा, उनका परचेजिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा, वो बैंक अकाउंट आपके यहां ओपन करेगा। तो इंडियन सोसाइटी का ये जो सबसे बड़ा रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप प्रोडक्ट से शुरू होता है और बिजनेस में कन्वर्ट होता है। आप गांव का बनाया हुआ मैक्सिमम प्रोडक्ट्स यूज करिए, गांव का नहीं मिलता तो लोकल लेवल पे जो प्रोड्यूस होता है वो यूज करिए, ताकि लोकल इकोनॉमी में सॉल्यूशन है,
ग्लोबलाइजेशन का, लिबरलाइजेशन का, गेट एग्रीमेंट। ग्लोबलाइजेशन का सिंपलेस्ट सॉल्यूशन लोकलाइजेशन इन ईच एंड एवरी फील्ड, लोकलाइजेशन हर एक चीज में, लोकलाइजेशन। हम जो भी खरीदेंगे लोकल खरीदेंगे। अभी आप फॉरेन कंपनी का यूनिवर्सल इंटरनेशनल खरीदते हैं, हम लोकल खरीदते हैं। और लोकल शुरू होता है अपने पड़ोस से। मैं गुलबर्गा में रहता हूं, जो कुछ गुलबर्गा में बनता है वो मेरे लिए सबसे जास्ती स्वदेशी, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा वो। जो गुलबर्गा में नहीं मिलेगा तो नॉर्थ कर्नाटक में कहीं भी बनता है वो मेरे लिए। जो नॉर्थ कर्नाटक में नहीं मिलेगा तो कर्नाटक में जो भी बनता है वो मेरे लिए। फिर कर्नाटक में नहीं मिलेगा तो पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में बनता है वो मेरे लिए। महाराष्ट्र में भी नहीं मिलेगा तो भारत में कहीं भी बनता है वो मेरे लिए। यहां से स्टार्ट होगा। तो लोकलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का बेस्ट एंड सिंपल सोल्यूशन है। और गेट एग्रीमेंट को ब्रेक करना है, तोड़ना है और इसको समाप्त करना है, कैंसिल करना है, तो भी लोकलाइजेशन में ही जाने का है। वही हम इस देश को बचाने के लिए कर सकते हैं। और एज ए सिटीजन, एक नागरिक के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं ये करूं। भारत का सरकार तो ये नहीं करेगा, क्योंकि भारत सरकार ने ग्लोबलाइजेशन लाया, वो लोकलाइजेशन नहीं करेगा। सरकार का लाया हुआ पॉलिसी है ग्लोबलाइजेशन। अभी इसको रिपील करना है, रिवर्ट करना है, तो नागरिकों को करना है, सरकार नहीं करेगा। और अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं, आप इंश्योरेंस में हैं, आप कोई भी इंडियन इंडस्ट्री में हैं, सर्विस क्लास में हैं, तो आपके लिए ये ज्यादा महत्व का है कि आप इसको और ज्यादा तेजी से करें और कराएं। आपके बैंक में जो भी कस्टमर्स आते हैं उनको यही बात आप बताने का जो मैं आपको बोलता हूं। आपके कस्टमर्स को सिर्फ कस्टमर नहीं, भारत का नागरिक है, ऐसे ट्रीट करने का। और उसका भी कर्तव्य है देश के लिए। थोड़ा माहिती आप उसको देंगे कि देखो ये ग्लोबलाइजेशन प्रॉब्लम है, इससे फॉरेन बैंक्स आ रहे हैं, बीमा कंपनी आ रहे हैं, आप कभी उनमें अकाउंट नहीं रखना, नहीं तो आपका डिपॉजिट फॉरेन कंपनीज के कंट्रोल में होगा, उससे देश को लाभ नहीं होगा। इमीडिएट समझ जाएगा, वो आपको मानेगा। थोड़ा उसके साथ आप मिसबिहेव नहीं करना कभी, क्योंकि जब मिसबिहेव होता है तो उसको हर्ट होता है, वो आपके बैंक से अकाउंट निकाल के कोई भी बैंक में लेके जाएगा। तो आप मिसबिहेव ना करें, उसको ट्रीट करें एक सिटीजन के नाते, नेशनल सिटीजन के नाते। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम का सिंपल सोल्यूशन हम कर पाएंगे, समस्या का परिहार करेंगे। यही परिहार के लिए एक सरल सूत्र है, बी इंडियन बाय इंडियन, भारतीय रागी भारतीय वस्तु गणन्नु बड़सी। सिंपल सोल्यूशन, भारतीयता को छोड़ना नहीं और भारतीय वस्तुओं को छोड़ना नहीं, भारतीय सर्विसेज को छोड़ना नहीं। जो कुछ भारतीय है वही हमारा है और जो विदेशी है वो हमारा नहीं है। वो आया है हमको लूट करने के, वो हमारा नहीं हो सकता। 400 इयर्स पहले भी आया था, लूट करने ही आया था, हमको सर्विस देने नहीं आया। तो ये रास्ते से चल के हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं सबका सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल, जब लोग कहते हैं कि आप लोकलाइजेशन की बात करते हैं तो लोकलाइजेशन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल में कैसे होगा, बहुत लोग मुझे प्रश्न करते हैं। क्योंकि ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हमको मेडिसिन चाहिए, बहुत सारा मेडिसिन हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, उसमें कैसे होगा। तो उसका मैंने बहुत सिंपल सोल्यूशन निकाला कि जो मेडिसिन हम इम्पोर्ट करते हैं वो मेडिसिन क्या है। मैक्सिमम भारत में जो मेडिसिन इम्पोर्ट होते हैं वो हार्ट अटैक, डायबिटीज, ये दो डिसीज के मैक्सिमम मेडिसिन हम इम्पोर्ट करते हैं, हार्ट अटैक एंड डायबिटीज। फिर अभी हम थोड़ा सा ट्यूबरकुलोसिस का मेडिसिन इम्पोर्ट करते हैं, अर्थराइटिस, गाउट का मेडिसिन इम्पोर्ट करते हैं। तो मैंने देखा भारत में ऐसे कुछ डिसीज हैं जिनके लिए हम मेडिसिन इम्पोर्ट करते हैं, उसका सोल्यूशन तो बहुत अच्छा है। कोई भी मेडिसिन इम्पोर्ट ना करें, भारत का जो हसु मूत्र है वो बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन है और किसी भी डिसीज को क्योर करता है। डायबिटीज क्योर करता है, अर्थराइटिस क्योर करता है, ट्यूबरकुलोसिस क्योर करता है, ब्रोंकियल अर्थराइटिस, ब्रोंकियल निमोनिया, गाउट, कोई भी डिजेनरेटिव डिसीज को क्योर करता है गोमूत्र, हसु मूत्र। तो इसलिए मेडिसिन इम्पोर्ट करने का आवश्यकता नहीं है। हसु मूत्र सभी गांव में कॉस्ट फ्री एंड टैक्स फ्री, उसको यूज करें और उसका रिजल्ट बेस्ट है, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। जो इम्पोर्टेड मेडिसिन है उसका साइड इफेक्ट बहुत भयंकर। सपोज आप इंसुलिन लेते हैं, डायबिटीज पेशेंट को इंसुलिन देते, इंसुलिन का कॉम्प्लिकेशंस बहुत है, आपको माहिती है। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या है, आप इंसुलिन लेंगे, शुगर को मेंटेन रखेगा लेकिन किडनी को खलास कर, किडनी चला जाएगा। इंसुलिन लेते रहिए, थोड़े दिन में किडनी कॉलेप्स हो जाए, और किडनी कॉलेप्स हुआ तो किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो आर लक्ष्य
मिनिमम आर लक्ष्य खर्च हो 6 लाख, इंसुलिन का ये रिजल्ट। सिमिलरली आप डायबिटीज के लिए इंसुलिन लीजिए, किडनी अगर आपका कॉलेप्स नहीं हुआ तो लीवर कॉलेप्स हो, इंसुलिन का कॉम्प्लिकेशंस बहुत है, किडनी कॉलेप्स करेगा, लीवर कॉलेप्स करेगा, आईज को डिजेनरेट कर देता है इंसुलिन, थोड़े दिन में कुछ दिखाई नहीं देता, इंसुलिन डिपेंडेंसी पेशेंट को जास्ती हो जाती है, आंख चला जाता है। तो ये जो इंसुलिन डिपेंडेंसी है ये बहुत खतरनाक है, और हम मैक्सिमम इंसुलिन इंपोर्ट करते हैं बाहर से और वो लगाते हैं, बंद करना है इसको, हमें जरूरत नहीं। इसका हमारे पास बेस्ट ऑल्टरनेट है हसुमूत्र। हसुमूत्र डेली 50 मिलीग्राम आप अगर पिएंगे आपको इंसुलिन का आवश्यकता नहीं। 8 वर्ष से मैं हसुमूत्र एक्सपेरिमेंट करता हूं, 6 ईयर्स से, और मैंने साविरारु पेशेंट डायबिटीज का क्योर किया है ओनली विद दिस काउ यूरिन हसुमूत्र, कुछ नहीं। सुबह 50 मिलीग्राम हसुमूत्र पीना, मूर्तिंगड़ा 90 डेज, 90 डेज में डायबिटीज क्योर 100% गारंटी, विदाउट एनी साइड इफेक्ट और विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ हसुमूत्र। सिमिलरली आपको अर्थराइटिस है, जॉइंट्स पेन है, ब्रोंकाइटिस है, हसुमूत्र पीना 1 मंथ में क्योर होता है, विद इन 1 मंथ। पाइल्स है, हेमोरॉइड्स है, 1 मंथ में क्योर होता है, मैक्सिमम 30 डेज लगता है। और हसुमूत्र के साथ कॉम्बिनेशन अगर हम करें तो भारत का जो किचन है, हमारा स्वयं पाक घर है जहां पर हम भोजन बनाते हैं, वहां जो कुछ भी है वो सभी मेडिसिन, जीरा है, हड़द है, टर्मेरिक है, धनिया है, उप है, ये सभी मेडिसिन है। इसका कॉम्बिनेशन हमको माहिती होना, और ये कॉम्बिनेशन से आप 90 डिसीज क्योर कर सकते, तो इंपोर्टेड मेडिसिन का आवश्यकता नहीं। और ये 6 ईयर्स मैंने एक्सपेरिमेंट किया हसुमूत्र का, उसमें बंधु पुस्तक बनाया, हसुमूत्र चिकित्सा, गोमूत्र चिकित्सा, वो पुस्तक अभी कन्नड़ भाषा में है, आप उसको ले सकते हैं अभ्यास करना। अभ्यास करने के बाद वो पुस्तक में मेरा कॉपीराइट नहीं, सभी को कॉपी करने का राइट, आप वो पुस्तक को रीप्रिंट करना और डिस्ट्रीब्यूट कर, तो मैक्सिमम लोगों को माहिती होगा हसुमूत्र चिकित्सा का, तो किसी को इंपोर्टेड मेडिसिन का आवश्यकता नहीं, हम डिसीज फ्री हो सकता हसुमूत्र। सिमिलरली जब भी फार्मर्स आपके पास आते हैं उनको बोलना हसुमूत्र प्रयोग करना, स्वयं के लिए और भूमि के लिए, दोनों के लिए। भूमि में हसुमूत्र बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन, भूमि के लिए, शरीर के लिए, दोनों के लिए। तो फार्मर्स हसुमूत्र का प्रयोग करेगा, फिर हसुसंगणी प्रयोग करेगा कृषि के लिए, तो उसको रासायनिक गोबर, यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट का आवश्यकता नहीं है। रासायनिक गोबर आवश्यकता नहीं होगा तो वंद वर्ष में 28 साविर कोटी रुपए 28,000 करोड़ रुपए सेव होगा फार्मर्स का, जो रासायनिक गोबर खरीदने में वेस्ट हो, और वो अगर सेव किया तो वो पैसा आपके बैंक में डिपॉजिट हो, अल्टीमेट प्रॉफिट आपको ही मिलने वाला। इसलिए आप फार्मर्स को ये ज्यादा बोलना सावियो कृषि करो, रासायनिक गोबर बहिष्कार करो, ये विषय पर बंधु छोटा पुस्तक मैंने बनाया, स्वावलंबी कृषि, सावियो कृषि, वो पुस्तक भी कन्नड़ में। एक पुस्तक बनाया स्वदेशी चिकित्सा, ऐसा ऐसा हदनहीं पुस्तक बनाया WTO और ग्लोबलाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, ये सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कर सकते हैं। और भारत में निरुद्योग समस्या का परिहार भी होता है, गांव गांव में हम सभी को बोलेंगे हमारा गांव में सोप बनाएंगे हम यूज करेंगे, बाहर का सोप नहीं लाएंगे, हमारा गांव में दंतमंजन बनाएंगे हम यूज करेंगे, बाहर का दंतमंजन नहीं लाएंगे, हमारा गांव में शैंपू बनाएंगे हम यूज करेंगे, बाहर से नहीं लाएंगे। तो सोप, दंतमंजन, शैंपू जैसा हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट गांव गांव में बनेगा, फिर गांव में बिकेगा, निरुद्योग समस्या का परिहार होगा, सिंपल है। तो बी इंडियन एंड बाय इंडियन, भारतीय रागी, भारतीय वस्तु गुण बढ़ती, जो प्रिंसिपल है ये भारत के सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते, बस हमें इसको प्रमोट करना। और आप पर्सनल लाइफ में थोड़ा एक चीज जरूर करिए, यदि आप कॉटन को प्राइस देना चाहते हैं और कॉटन ग्रोअर फार्मर्स को मदद करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जास्ती से जास्ती कॉटन वस्त्र पहनिए, खादी वस्त्र पहनिए, सूती वस्त्र पहनिए। आप जितना जास्ती सूती वस्त्र, खादी वस्त्र पहनेंगे उतना ही जास्ती उसको प्राइस मिलेगा, क्योंकि जिस चीज का डिमांड जास्ती होता है प्राइस भी उसको जास्ती मिलेगा। तो कॉटन ग्रोअर्स को ज्यादा प्राइस देना है
तो सिंथेटिक, टेरेलिन, टेरिकॉट, शिफॉन, जॉर्जेट, ये जो फॉरेन क्लोथ्स हैं, ये बॉयकॉट करके सूती वस्त्र, खादी वस्त्र ज्यादा से ज्यादा हम प्रयोग करें, तो निरुद्योग समस्या का संपूर्ण समाधान और भारतीय पूरी की पूरी परंपरा और अर्थव्यवस्था को बचाने का रास्ता खुलता है। यही मैं आपसे निवेदन करने आया, आप इसको करें, दूसरों को करने के लिए प्रेरित करें, मुझे बहुत खुशी होगा। मैंने ये कैंपेन जब स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा अभी लगता है कि हमें कुछ वॉलंटियर्स चाहिए। अभी मैं क्या करता हूँ, WTO और ग्लोबलाइजेशन के इश्यूज पे ट्रेनिंग कैंप करता हूँ। वो ट्रेनिंग कैंप में मैं कुछ लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, वो फिर गांव गांव जाके दूसरों को ट्रेन कर सके। तो ऐसा कुछ वॉलंटियर्स आप मुझे देंगे तो मैं उनको भी ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। ये ट्रेनिंग कैंप राउंड द ईयर में करता हूँ, कर्नाटक राज्य में मिनिमम 3-4 कैंप में करता हूँ एक वर्ष में, 7 days का, 3 days का, मिनिमम 3 days, मैक्सिमम 7 days। अभी नेक्स्ट ट्रेनिंग कैंप में करने वाला हूँ बीजापुर, मई अप्रैल मई में करने वाला हूँ। लेकिन वो जो अनएजुकेटेड रियल सिटीजन है ना, वो अनएजुकेटेड है। जो अनएजुकेटेड इंडियन सिटीजन है वो जाहिरात भी देखेगा, वो कहेगा अरे ये बेकार है, अपना दादा बेवन कड्डी करता था, दादा का दादा बेवन कड्डी करता था, अपन बेवन कड्डी करेगा। और बेवन कड्डी क्यों करना है उसका, उसके पास बहुत अच्छा लॉजिक है। वो बोलेगा गुड़ी पाड़वा को, उगादी को हमारे घर में जब ये प्रसादम बनता है तो बेवन यले होता है, इट मीन्स बेवन यले पवित्र है, इट मीन्स बेवन कड्डी पवित्र है, इसलिए मैं बेवन कड्डी करता, बात खत्म। उसको कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं, कोई हिस्ट्रिकल। सिमिलरली कोई तो अनएजुकेटेड इंडियन सिटीजन है वो तो स्नान करेगा, स्नान करेगा। मैक्सिमम अनएजुकेटेड इंडियन सिटीजन कभी सोप से स्नान नहीं करता, मैक्सिमम। वो कैसे करता है, वो गांव में तालाब होता है ना, तालाब में मिट्टी होता है, मिट्टी को रगड़ के स्नान करता है, ठीक है। मोस्ट साइंटिफिक तो यही है, क्या है, मिट्टी जो होता है ना, सॉइल, सॉइल जो है सरफेस टेंशन को रिलीज करता है, और सरफेस टेंशन रिलीज होता है तो सारा डस्ट पार्टिकल बाहर आता है, तो सॉइल को शरीर में लगाने से सबसे अच्छा सफाई होता है, गंदगी सारा निकलता, साइंटिफिक तो ये। इसलिए वो सोप यूज नहीं करता, वो सॉइल से करता है, मुल्तानी मिट्टी से करता है, घर में चने का आटा है उससे करता है, या तो कुछ दूध से करता, किसी से, वो अनएजुकेटेड है, वो ये करता है। वो कभी लक्स नहीं लगाता, कभी भी लाइफ बॉय नहीं लाता, कभी भी लिरिल रेक्सोना नहीं लाता, वो इस तरह से स्नान कर, तो इंडियन इकोनॉमी को तो वही बचाता। फिर अभी उसको शूज खरीदना, बूट खरीदना है, वो कभी बाटा के शॉप में नहीं जाता, वो उसका गांव का जो शू मेकर है, जो कॉबलर है, उससे खरीद के लाता है। वो थोड़ा कमजोर भी देता तो भी वो वहां से लेता है, क्यों लेता है? मैंने बहुत बार भारतीय रहित नागरिक को पूछा, आपका जो बूट है वो आप गांव के शू मेकर से लेता है, आपके गांव के बाजू में शहर में बाटा का शॉप है, वहां से नहीं लेता, क्यों नहीं लेता? वो कहता बाटा का शॉप में जो सेल्समैन है उसका मेरा कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं, और ये गांव का जो शू मेकर है इससे मेरा रिलेशन है। वो रिलेशन को बेस करके बात करता है, वो ये बात नहीं करता उसमें क्वालिटी है इसमें नहीं है, उसमें शाइनिंग जाती है इसमें शाइनिंग कम, वो शाइनिंग में नहीं जाता, क्वालिटी में नहीं जाता, पैकिंग में नहीं जाता, प्राइसिंग में नहीं जाता, वो रिलेशन में जाता है। क्या रिलेशन है इसका? वो बोलता है इसका सबसे बड़ा रिलेशन ये है कि मेरा घर में जब ये भजन होता है तो ये आता है, इसके घर में भजन होता है तो मैं जाता है, हम दोनों मिलके बसवन्ना का पूजा करता है, बसवन्ना का भजन गाता है, उनका वचन गाता है, ये रिलेशन, ये जो रिलेशन है ये बहुत स्ट्रांग होता है, ये रिलेशन कोई ब्रेक नहीं कर सकता। इसलिए वो शूज खरीदेगा लोकल कॉबलर से, भले वो टूटेगा, फिर खरीदेगा, फिर टूटेगा। एक बार मैंने भारत का एक सिटीजन को, रईत नागरिक को पूछा, तुम्हारा शूज तो कितना दिन चलता है? उसने कहा मैक्सिमम आर तिंगड़ा, 6 months चलता है, फिर टूटता है, फिर दोबारा लेता, फिर टूटता है। मैंने कहा बाटा का जो शू है वो तो 6 years चलता है। उसने कहा वो यूजलेस, मेरा काम का नहीं। उसने पूछा, मैंने पूछा क्यों? अभी उसने मुझे इतना इंटेलिजेंट आंसर दिया, अनएजुकेटेड मोस्ट इंटेलिजेंट, वो मुझे उत्तर दिया, अभी मैं इसका शूज खरीदता है, ये 6 months में टूटता है तो उसको नया शूज बनाने के लिए जॉब मिलता है। अभी मैं इससे शूज खरीदेगा, 6 years वो टूटेगा नहीं, इसका जॉब खत्म हो जाएगा, इसको जॉब देना है, इसलिए ये टूटना कंपलसरी है, इसलिए मुझे इससे शूज लेना कंपलसरी। ये इंटेलिजेंसी कोई एजुकेटेड इडियट को नहीं है, वो अनएजुकेटेड व्यक्ति को है।
तो भारत क्यों कॉलेप्स नहीं हुआ लास्ट 14 इयर्स में, इसलिए कि यहाँ जो अनएजुकेटेड इंडियन सिटी, वो टीवी फॉलो नहीं करता, वो बसवन्ना को फॉलो करता है। एक गांव में, मैं अभी हुबली धारवाड़ का नजदीक में एक गांव उपिन बेड़गेरे में एक बार उपन्यास करने गया, वहां बंद फार्मर को मैंने प्रश्न किया, आप शूज खरीदते हैं, आपका गांव का शू मेकर से खरीदते हैं, ये आपका गांव का जो शू मेकर है इससे आप शूज खरीदते क्यों, क्वालिटी अच्छा है? उसने कहा नहीं नहीं क्वालिटी का नहीं, फिर इसका शाइनिंग अच्छा नहीं, उसका पैकिंग अच्छा नहीं, वो बॉक्स में पैक करके देता है नहीं, फिर क्या है बेस क्या है? वो बोलता बसवन्ना ने कहा। मैंने पूछा बसवन्ना ने क्या कहा? उसने कहा बसवन्ना ने एक पार्लियामेंट बनाया था, वो पार्लियामेंट में शू मेकर, कॉबलर्स, जुलाहा, लोहार सभी लोग आया था, वो लोगों ने कुछ प्रीचिंग किया था, वो बसवन्ना का प्रीचिंग हो गया। अभी बसवन्ना ने इन सबको लाया, शू मेकर को लाया है, वो जूता बनाने वाले को लाया, चप्पल बनाने वाले को लाया, कपड़ा बनाने वाले को लाया, इन सबको बसवन्ना ने इकट्ठा किया। क्यों किया? मैंने उसको बोला आप बताओ क्यों किया? उसने कहा इसलिए कि ये जो क्लास है मोस्ट इंटेलिजेंट क्लास। मोस्ट इंटेलिजेंट क्यों है? क्योंकि ये शास्त्र नहीं पढ़ता। हाँ आंसर देखो। मैंने उसको पूछा ये मोस्ट इंटेलिजेंट क्यों? उसने कहा ये शास्त्र नहीं पढ़ता, ये ऋग्वेद नहीं पढ़ता, यजुर्वेद नहीं पढ़ता, सामवेद नहीं पढ़ता, अथर्ववेद नहीं पढ़ता, उपनिषद नहीं पढ़ता, भगवद गीता नहीं पढ़ता, ये कुछ पढ़ता नहीं है, इसलिए इंटेलिजेंट है। फिर मैंने पूछा और बोलो। उसने नेक्स्ट आंसर दिया, ओ मार्वलस। उसने कहा कि जो कुछ शास्त्र में लिखा हुआ है उसको ये आचरण करता, पढ़ता नहीं, इसलिए मोस्ट इंटेलिजेंट ये क्लास, इसलिए मैं इससे शूज खरीदता है क्योंकि ये इंटेलिजेंट। अभी इतना ज्ञान अनएजुकेटेड क्लास को है। मुझे बहुत खुशी है कि भारत में लिटरेसी रेट अभी 50% है, बहुत खुशी है मुझे। जब ये लिटरेसी रेट 100% हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी कॉलेप्स। लिटरेसी मींस क्या? लिटरेसी मींस ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, पी फॉर पेप्सी, सी फॉर कोका कोला, एल फॉर लाइफ बॉय, बी फॉर बाटा, ए फॉर एडिडास, ये चालू हो जाएगा। जब ये लिटरेसी आएगा तो क्या आएगा? यही आने वाला है ना। तो अच्छा है वो इलिटरेट है लेकिन इंटेलिजेंट। तो इंडियन इकोनॉमी का जब भी मैं स्टडी किया लास्ट 12 इयर्स का, मुझे तो ये उत्तर मिल गया कि इंडियन इकोनॉमी अभी भी कॉलेप्स नहीं हुआ, ड्यू टू अवर फार्मर्स, ड्यू टू अवर लेबरर्स, ड्यू टू अवर आर्टिजन्स, रूरल आर्टिजन्स जो गांव गांव में रहता है। 35% हमारा पूरा पॉपुलेशन में आर्टिजन्स है, क्लासिकल आर्टिजन्स है, हाथ से कुछ करता है, अकल का इस्तेमाल करता, आंख का इस्तेमाल करता, कुछ कुछ अच्छा अच्छा बनाता है, डिजाइन करता है, ये 35% है। और 70% हमारा फार्मिंग क्लास है। ये सारा मिला के भारत में ऐसा ग्रुप बन गया है कि ये कभी कॉलेप्स नहीं होने देता इकोनॉमी को। कोई भी फॉरेन कंपनी आता है वो इमीडिएट उसके पीछे नहीं जाता। आपने किसी भारतीय रहित नागरिक को पिज्जा खाते देखा? पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग खाते देखा कभी? नहीं। लेकिन MBBS, बीटेक, एमटेक डिग्री होल्डर को आप खाते देखेगा, पिज्जा भी खाएगा, बर्गर भी खाएगा, हॉट डॉग भी खाएगा, कोल्ड डॉग भी खाएगा, भले वो टेस्टलेस है फिर भी खाएगा, स्टेटस सिंबल के लिए खाएगा। मैं बेंगलोर में जाता हूं उपन्यास करने का, जो लोग फार्मिंग फैमिली से आके इंजीनियरिंग पढ़ता वो पिज्जा खाता, उसका ताई तंदे नहीं खाता, उसका ताई तंदे इडली खाएगा, सांभर खाएगा, बड़ा खाएगा, रसम पिएगा, सब कुछ करेगा, जो कुछ है वो इंडियन करेगा, और उसका जो सन है, डॉटर है जो इंजीनियरिंग कॉलेज, वो पिज्जा खाएगा, बर्गर खाएगा, दारू भी पिएगा, सिनेमा भी देखेगा, ऑनलाइन लॉटरी भी खेलेगा, सब करेगा। अर्थात भारत का 10% क्लास ही फॉरेन कंपनीज को फॉलो करता है, इसलिए इंडियन इकोनॉमी कॉलेप्स नहीं हुआ। और अभी हमको करना क्या है? अभी हमको करना यह है कि इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है अगर, तो ये जो 90% क्लास है, जो इंडियन क्लास है, भारतीय है, ये इसको और ज्यादा ताकतवर करना, स्ट्रेंथन करना, तभी ये ऑनस्लॉट जो ग्लोबलाइजेशन का हम इससे फाइट कर सकते हैं। इसको स्ट्रेंथ करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? वो स्ट्रेंथन करने के लिए वही करना जो फार्मर करता, उसका डेली लाइफ का रूटीन देखना, वो क्या कर रहा है वही आप करना।
सपोज करिए वो मॉर्निंग में सुबह उठता है, बेबिन कड्डी करता है, आपको बेबिन कड्डी करना, कॉलगेट क्लोजअप पेप्सोडेंट बहिष्कार करना, बेबिन कड्डी करना। यदि वो मॉर्निंग में उठ के अपना शू मेकर के पास जाके शूज खरीद के लाता है, तो आप भी वही शू मेकर से शूज लेना जिससे फार्मर्स लेता है। सपोज करिए गुलबर्गा, गुलबर्गा में शूज बेचने वाला बाटा, बीएससी, प्यूमा, एडिडास, बटरफ्लाई, बड़ा बड़ा कंपनी का शॉप है, उसमें नहीं जाना। आप कर्नाटक का, गुलबर्गा का जो स्मॉल शू मेकर्स है, यहां तो सभी जगह में देखता हूं छोटा छोटा शू मेकर्स है, उसमें जाके लाना। और वो थोड़ा वीक है शू तो भी लाना, वो टूटेगा तो उसको बिजनेस मिलेगा, सेकंड टाइम फिर बनाएगा, थर्ड टाइम। उतना इंटेलिजेंसी फार्मर को है, वो आपको भी होना चाहिए। अगर उसने सपोज करो परमानेंट शू दे दिया बना के जो 10 ईयर्स तक टूटता ही नहीं है, वो भूखा मर जाए। तो थोड़ा वीक है, कमजोर है, तो भी वहां से लाना। सिमिलरली हमारा फार्मिंग क्लास ये जो क्लोथ्स खरीदता है, साधारण भारतीय दुकानों से खरीदता है, सूती क्लोथ्स खरीदता है, खादी क्लोथ खरीदता है, वो आप भी करना। आप वही करना जो फार्मर्स करता है, तो आप भारतीय समाज को बचा सकते हैं। एक ही बात फार्मर्स को नहीं करने का है जो वो कर रहा है, बाकी वो सब अच्छा करता है। इंडियन फार्मर्स कभी खराब नहीं किया आज तक, उसने एक ही बात गलत कर दिया, वो भी उसको मिस एजुकेट किया, तब किया उसने। वो क्या किया, केमिकल फार्मिंग स्टार्ट कर दिया, यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट। और ये मिसलीडिंग किसने किया, इंडियन एजुकेटेड इडियट क्लास ने उसको मिसलीड किया। ये हमारा जो एजुकेटेड इडियट क्लास है उसमें साइंटिस्ट भी है, टेक्नोक्रेट्स भी है, और पॉलिसी मेकर्स भी है। ये फार्मर्स को बोला तुम यूरिया डालो, डीएपी डालो, सुपर फॉस्फेट डालो, प्रोडक्शन जास्ती होगा, जास्ती प्रोडक्शन होगा तुम्हारा परचेसिंग कैपेसिटी जास्ती होगा, तुम्हारा बहुत ज्यादा पैसा आएगा, तुम बहुत ज्यादा बिलियनर मिलियनर हो जाएगा, ऐसा उसको बोला। 1960s से बोला। और इसको बोलने के लिए भारत देश का मोस्ट प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसका थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट गांव गांव जाके ये सबको बोला। तो फार्मर्स ने थोड़ा सोचा कि ये इतना बड़ा साइंटिस्ट है, बोलता है, चलो करके देखो। उसने यूरिया डीएपी डालना शुरू किया, और जैसे ही उसने डाला तो वो विशियस सर्कल में फंस गया। विशियस सर्कल क्या है, आप यूरिया डीएपी अगर डालेगा तो 100% पेस्ट आएगा, जंतु आएगा, कीट आएगा, 100% आएगा। वो जंतु को कीट को मारने के लिए फिर आपको पेस्टिसाइड लगेगा, फिर पेस्टिसाइड आपने डाला उसका साइड इफेक्ट कम करने के लिए अगेन यूरिया लगेगा, डीएपी लगेगा, सुपर फॉस्फेट लगेगा, और यूरिया डीएपी के बाद फिर पेस्टिसाइड लगेगा। ऐसा विशियस सर्कल में फंस गया फार्मर, और उस विशियस सर्कल ने आज उसको यहां तक पहुंचा दिया है कि वो आत्महत्या कर रहा है, देश को बचा रहा स्वयं आत्महत्या कर। वो चाहता तो सभी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट की हत्या कर सकता है जिसने उसको मिसलीड किया। यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट बोलने का किसने कहा उसको, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, धारवाड़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने कहा, बेंगलोर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कहा, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कहा। अभी फार्मर को ये जब बात समझ में आता है, मैं अभी गांव-गांव जाता हूं फार्मर्स का, मैं अभी गांव-गांव जाता हूं और भारत के किसानों का शिविर करता हूं। वो शिविर में जब उनको मैं माहिती देता हूं कि ये यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट यूजलेस है, इसका कुछ आवश्यकता नहीं है भूमि को, वो पूछता है क्यों आवश्यकता नहीं है, मैं उसको सिंपल माहिती देता हूं कि जब भी हम सीड डालते हैं, सीड जर्मिनेट होता है, प्लांट होता है, प्लांट में कैनोपी आता, उसका येले आता, लीफ आता है। जैसे ही प्लांट में कैनोपी आ जाता है, इमीडिएट प्लांट सूर्य प्रकाश से भोजन लेना प्रारंभ कर देता है। दिस इज साइंस, फोटोसिंथेसिस। जब तक उसको कैनोपी नहीं है तभी तक वो भूमि से भोजन लेता है, जो दिन कैनोपी आया वही दिन सूर्य प्रकाश से भोजन लेना स्टार्ट कर देता है। कोई भी प्लांट में कैनोपी आने में मैक्सिमम 20 डेज लगता है, 21 दिवस। आपने जब भी सीड डाला, वो सीड डालने के 21 डेज में उसका कैनोपी आ जाए, तो 20 डेज के लिए उसको भूमि से भोजन चाहिए। लेकिन जब 20 डेज उसको भूमि से भोजन चाहिए, वो टाइम में कोई भी यूरिया डीएपी डालता नहीं। यूरिया डीएपी डालने का टाइम 21 डेज के बाद आता है, तो तुम्हारा यूरिया डीएपी तो यूजलेस। इमीडिएट समझता, हाँ बात सही, प्लांट को भोजन चाहिए, वो सूर्य प्रकाश से ले रहा है,
भूमि से भोजन नहीं लेता, भूमि से सिर्फ नीर लेता है, भोजन नहीं लेता, तो फिर यूरिया डीएपी का क्या आवश्यकता है? उसको समझ में आता है, फिर वो तुरंत सोचता है अभी यूरिया डीएपी बहिष्कार करना। फिर वो सोचता है अभी हम तो हमारा हसु संगणी है, हसु मूत्र है, एमए संगणी है, एमए मूत्र है, उसका प्रयोग करेगा तो धीरे से वो शिफ्ट हो जाता है। जैसे शिफ्ट होता है उसको रिजल्ट दिखाई देता है, रिजल्ट दिखाई देता है तो फिर वो मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करता है तो और अच्छा रिजल्ट आता है, तो धीरे धीरे वो विशियस सर्किल से बाहर आ जाता है। फिर वही फार्मर दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को ऐसे एजुकेशन स्टार्ट कर देता है। और यही कारण से अभी भारत में सावरारू फार्मर्स, थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स अभी सावियो कृषि करते हैं और अच्छा करते हैं। वो फिर दूसरे को बोलते हैं, दूसरा दूसरे को बोलता है। तो भारत का रईत नागरिकों को यदि सावियो कृषि में हम ट्रांसफर करेंगे तो ये भारत देश को बचा देंगे, इनका ताकत है देश को बचाने। ये कैसे बचाएंगे देश को? ये ऐसे बचाएंगे, सपोज करो फॉरेन बैंक आया तो हम फार्मर्स को कहेंगे तुम्हारा अकाउंट फॉरेन बैंक में नहीं रखना, भारतीय बैंक में रखना, और 70% फार्मर्स है और डोमेस्टिक सेविंग सबसे जास्ती यही करता, कम से कम में खर्चा चलाना, जास्ती से जास्ती बचाना, ये इस क्लास की टेंडेंसी। फिर हमारा जो डोमेस्टिक सेविंग करने वाला क्लास है फार्मर्स, फार्मर्स के बाद आर्टिजन्स, उसको भी बोलेंगे तुम्हारा बैंक अकाउंट भारतीय बैंक में रखना, विदेशी बैंक में नहीं रखना, वो समझ जाएगा। और उसको इंटेलिजेंस ही बहुत है, उसको ये सब समझने में 5 मिनट्स लगता है, 10 मिनट्स लगता है। जब भी मैं फार्मर्स को स्पीच करता हूं ना, हाफ एन आवर 30 मिनट्स के स्पीच में उसको सब समझता है। और जब एजुकेटेड इडियट्स को मैं स्पीच करता हूं, मूर्तास लगता, नालतास लगता, उसको पूरा गेट एग्रीमेंट दिखाना पड़ता है, प्रोविजंस बताना पड़ता है, तभी वो सोचता हाँ कुछ गेट एग्रीमेंट है। लेकिन फार्मर को नहीं लगता, वो 30 मिनट्स में समझ जाता है प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या। तो भारत देश को यदि बचाने का है तो इंडियन फार्मर्स, इंडियन आर्टिजन्स, रूरल जो बैकग्राउंड का लोग है, इनको स्ट्रेंथन करना, इनको मजबूत करना। इनको मजबूत आप करेगा, वो आपको मजबूत करेगा। आप भारतीय रईत नागरिकों का सभी प्रोडक्ट्स लेना तो वो आपका बैंक में अकाउंट ओपन करेगा, आपको अपनी सेविंग्स देगा, आप उसको सपोर्ट करो, वो आपको सपोर्ट करेगा, तो हम देश को बचा सकता है। लेकिन ये जो क्रीमी लेयर है हमारे देश का, इसको आप सपोर्ट करेगा, ये फॉरेन कंपनीज को सपोर्ट करेगा, ये फॉरेन बैंक्स में सपोर्ट करेगा। ये इतना चीटर है, कोई भी दिन आपके यहां से अकाउंट विड्रॉ करके सिटी बैंक में ओपन करेगा, कोई भी दिन आपके यहां से अकाउंट विड्रॉ करके HDFC में ओपन करेगा। तो उसको भरोसा नहीं करना, आपका भरोसा फार्मर्स को, लेबरर क्लास को, आर्टिजन क्लास को, इनको ज्यादा भरोसा करना, उनको स्ट्रेंथन करना। तो उनको स्ट्रेंथन करने का सबसे सरल उपाय है, वो जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो प्रयोग करना, जो कुछ भी वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कुछ भी वो बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, वो जास्ती से जास्ती प्रयोग करना। सपोज करिए वो कब्बिन हाल प्रोड्यूस करते हैं, शुगर केन का प्रोडक्शन करते हैं, तो आपको कब्बिन हाल पीना, पेप्सी कोक नहीं पीना, क्योंकि पेप्सी कोक पिएगा प्रॉफिट अमेरिका ट्रांसफर होगा, अमेरिका तो आपको लूटने के लिए आ रहा है, तो आप उसको और स्ट्रेंथन करेगा कि और जास्ती लूटो मुझे। तो पेप्सी कोक बहिष्कार करके आप कब्बिन हाल पीना, हाल पीना, मजिगे पीना, ऑरेंज जूस पीना, पाइनएप्पल जूस पीना, ये सभी फार्मर्स से आता है। और आप जब भी फ्रेश जूस पिएंगे तो आपका हेल्थ अच्छा और आपका प्रॉफिट फार्मर्स को मिलेगा, फार्मर्स वही प्रॉफिट को आपके बैंक में लाके डिपॉजिट करेगा, वो कहां लेके जाएगा, जरा सोचो, ये साइकिल है। आपने कब्बिन हाल पिया, प्रॉफिट फार्मर को मिला, फार्मर आया, उसने बैंक अकाउंट ओपन किया, वो प्रॉफिट आपका बैंक में डिपॉजिट किया, अब आप उस प्रॉफिट से आपका बैंक रन कर सकते हैं। और यदि आपने कब्बिन हाल नहीं पिया, पेप्सी कोक पिया, तो प्रॉफिट फार्मर को नहीं मिलेगा, वो पेप्सी कोक को मिलेगा, पेप्सी कोक वो प्रॉफिट लेके अमेरिका जाएगा, वो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करेगा। सिंपल सफाई। यदि आपने बेविन कड्डी किया तो बेविन कड्डी का प्रॉफिट फार्मर्स को मिलेगा, फार्मर वो प्रॉफिट को आपके बैंक में डिपॉजिट करे। यदि आपका छोटा छोटा शू मेकर है, गांव गांव में जो शूज बनाता है, चंपल बूट बनाता है, उससे आप शूज खरीदेगा, बाटा से नहीं खरीदेगा, वो शू मेकर को प्रॉफिट मिलेगा, वो शू मेकर आपका अकाउंट आके बैंक में ओपन करेगा, वो पैसे को यही रखेगा, वो सिटी बैंक में नहीं जाएगा, अमेरिका तो जाने का चांस ही नहीं उसका। तो ऐसे करके हम उसको सपोर्ट करें। हमारा देश का आर्टिजन्स खादी का वस्त्र बनाता है, वो आप खादी वस्त्र खरीदेगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा, वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा
कॉटन ग्रोअर फार्मर्स को और जो चरखा चलाने वाला आर्टिजन है उसको, दोनों को बिजनेस मिलेगा और वो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो आगे फिर से और जास्ती कॉटन पैदा करेगा, और बिजनेस होगा और जास्ती कॉटन करेगा, धीरे धीरे कॉटन का पूरे देश में मार्केट सैचुरेट कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। तो भारत का कॉटन ग्रोअर माने रईत नागरिक और भारत में कॉटन को मदद करके वस्त्र बनाने वाला जो आर्टिजन, दोनों को प्रॉपर्टी, दोनों का परचेजिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा, उनका परचेजिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा, वो बैंक अकाउंट आपके यहाँ ओपन करेगा। तो इंडियन सोसाइटी का ये जो सबसे बड़ा रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप प्रोडक्ट से शुरू होता है और बिजनेस में कन्वर्ट होता है। आप गांव का बनाया हुआ मैक्सिमम प्रोडक्ट्स यूज करिए, गांव का नहीं मिलता तो लोकल लेवल पे जो प्रोड्यूस होता है वो यूज करिए, ताकि लोकल इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट सर्कुलेट करे और वही प्रॉफिट हमारे देश को मल्टीप्लाई होता हुआ देश को बचा सके। ये सिंपल सॉल्यूशन है ग्लोबलाइजेशन का, लिबरलाइजेशन का, गेट एग्रीमेंट। ग्लोबलाइजेशन इन ईच एंड एवरी फील्ड, लोकलाइजेशन हर एक चीज में, लोकलाइजेशन हम जो भी खरीदेंगे लोकल खरीदेंगे। अभी आप फॉरेन कंपनी का यूनिवर्सल इंटरनेशनल खरीदते हैं, हम लोकल खरीदें, और लोकल शुरू होता है अपने पड़ोस से। मैं गुलबर्गा में रहता हूं, जो कुछ गुलबर्गा में बनता है वो मेरे लिए सबसे जास्ती स्वदेशी, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा वो। जो गुलबर्गा में नहीं मिलेगा तो नॉर्थ कर्नाटक में कहीं भी बनता है वो मेरे लिए, जो नॉर्थ कर्नाटक में नहीं मिलेगा तो कर्नाटक में जो भी बनता है वो मेरे लिए, फिर कर्नाटक में नहीं मिलेगा तो पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में बनता है वो मेरे लिए, महाराष्ट्र में भी नहीं मिलेगा तो भारत में कहीं भी बनता है वो मेरे लिए, यहां से स्टार्ट होगा। तो लोकलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का बेस्ट एंड सिंपल सॉल्यूशन है, और गेट एग्रीमेंट को ब्रेक करना है, तोड़ना है, और इसको समाप्त करना है, कैंसिल करना है, तो भी लोकलाइजेशन में ही जाने का है, वही हम इस देश को बचाने के लिए कर सकते हैं। और एज ए सिटीजन, एक नागरिक के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं ये करूं। भारत का सरकार तो ये नहीं करेगा, क्योंकि भारत सरकार ने ग्लोबलाइजेशन लाया, वो लोकलाइजेशन नहीं करेगा। सरकार का लाया हुआ पॉलिसी है ग्लोबलाइजेशन, अभी इसको रिपील करना है, रिवर्ट करना है, तो नागरिकों को करना है, सरकार नहीं करेगा। और अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं, आप इंश्योरेंस में हैं, आप कोई भी इंडियन इंडस्ट्री में हैं, सर्विस क्लास में हैं, तो आपके लिए ये ज्यादा महत्व का है कि आप इसको और ज्यादा तेजी से करें और कराएं। आपके बैंक में जो भी कस्टमर्स आते हैं उनको यही बात आप बताने का जो मैं आपको बोलता हूं, आपके कस्टमर्स को सिर्फ कस्टमर नहीं, भारत का नागरिक है ऐसे ट्रीट करने का, और उसका भी कर्तव्य है देश के लिए। थोड़ा माहिती आप उसको देंगे कि देखो ये ग्लोबलाइजेशन प्रॉब्लम है, इससे फॉरेन बैंक्स आ रहे हैं, बीमा कंपनी आ रहे हैं, आप कभी उनमें अकाउंट नहीं रखना, नहीं तो आपका डिपॉजिट फॉरेन कंपनीज के कंट्रोल में होगा, उससे देश को लाभ नहीं होगा, इमीडिएट समझ जाएगा, वो आपको मानेगा। थोड़ा उसके साथ आप मिसबिहेव नहीं करना कभी, क्योंकि जब मिसबिहेव होता है तो उसको हर्ट होता है, वो आपके बैंक से अकाउंट निकाल के कोई भी बैंक में लेके जाए। तो आप मिसबिहेव ना करें, उसको ट्रीट करें एक सिटीजन के नाते, नेशनल सिटीजन के नाते, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन हम कर पाएंगे, समस्या का परिहार करेंगे। यही परिहार के लिए एक सरल सूत्र है, बी इंडियन बाय इंडियन, भारतीय रागी भारतीय वस्तु गणन्नु बड़स्सी, सिंपल सॉल्यूशन। भारतीयता को छोड़ना नहीं, और भारतीय वस्तुओं को छोड़ना नहीं, भारतीय सर्विसेज को छोड़ना नहीं, जो कुछ भारतीय है वही हमारा है, और जो विदेशी है वो हमारा नहीं है, वो आया है हमको लूट करने के, वो हमारा नहीं हो सकता। 400 इयर्स पहले भी आया था, लूट करने ही आया था, हमको सर्विस देने नहीं आया। तो ये रास्ते से चल के हम आगे बढ़ सकते हैं, और इसमें हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं सबका सोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, जब लोग कहते हैं कि आप लोकलाइजेशन की बात करते हैं, तो लोकलाइजेशन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल में कैसे होगा, बहुत लोग मुझे प्रश्न करते हैं, क्योंकि ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हमको मेडिसिन चाहिए, बहुत सारा मेडिसिन हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, उसमें कैसे होगा। तो उसका मैंने बहुत सिंपल सॉल्यूशन निकाला कि जो मेडिसिन हम इंपोर्ट करते हैं वो मेडिसिन क्या है। मैक्सिमम भारत में जो मेडिसिन इंपोर्ट होते हैं वो हार्ट अटैक, डायबिटीज, ये दो डिसीज के मैक्सिमम मेडिसिन हम इंपोर्ट करते हैं, हार्ट अटैक एंड डायबिटीज। फिर अभी हम थोड़ा सा ट्यूबरकुलोसिस का मेडिसिन इंपोर्ट करते हैं, अर्थराइटिस, गाउट का मेडिसिन इंपोर्ट करते हैं। तो मैंने देखा भारत में ऐसे कुछ डिसीज हैं जिनके लिए हम मेडिसिन इंपोर्ट करते हैं, उसका सोल्यूशन तो बहुत अच्छा है,
कोई भी मेडिसिन इंपोर्ट ना करें, भारत का जो हसु मूत्र है वो बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन है और किसी भी डिसीज को क्योर करता है। डायबिटीज क्योर करता है, अर्थराइटिस क्योर करता है, ट्यूबरकुलोसिस क्योर करता है, ब्रोंकियल अर्थराइटिस, ब्रोंकियल निमोनिया, गाउट, कोई भी डिजेनरेटिव डिसीज को क्योर करता है गोमूत्र, हसु मूत्र। तो इसलिए मेडिसिन इंपोर्ट करने का आवश्यकता नहीं है। हसु मूत्र सभी गांव में कॉस्ट फ्री एंड टैक्स फ्री, उसको यूज कर और उसका रिजल्ट बेस्ट, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं। जो इंपोर्टेड मेडिसिन है उसका साइड इफेक्ट बहुत भयंकर। सपोज आप इंसुलिन लेते, डायबिटीज पेशेंट को इंसुलिन देते, इंसुलिन का कॉम्प्लिकेशन बहुत है, आपको माहिती है। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या है, आप इंसुलिन लेंगे, शुगर को मेंटेन रखेगा लेकिन किडनी को खलास कर, किडनी चला जाएगा। इंसुलिन लेते रहिए, थोड़े दिन में किडनी कॉलेप्स हो जाए, और किडनी कॉलेप्स हुआ तो किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो आर लक्ष, मिनिमम आर लक्ष खर्च होगा, 6 लाख इंसुलिन का ये रिजल्ट। सिमिलरली आप डायबिटीज के लिए इंसुलिन लीजिए, किडनी अगर आपका कॉलेप्स नहीं हुआ तो लीवर कॉलेप्स हो, इंसुलिन का कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। किडनी कॉलेप्स करेगा, लीवर कॉलेप्स करेगा, आईज को डिजेनरेट कर देता इंसुलिन, थोड़े दिन में कुछ दिखाई नहीं देता, इंसुलिन डिपेंडेंसी पेशेंट को जास्ती हो जाती है, आंख चला जाता। तो ये जो इंसुलिन डिपेंडेंसी है ये बहुत खतरनाक है, और हम मैक्सिमम इंसुलिन इंपोर्ट करते हैं बाहर से और वो लगाते हैं, बंद करना है इसको, हमें जरूरत नहीं। इसका हमारे पास बेस्ट ऑल्टरनेट है हसुमूत्र। हसुमूत्र डेली 50 मिलीग्राम आप अगर पिएंगे आपको इंसुलिन का आवश्यकता नहीं। 8 वर्ष से मैं हसुमूत्र एक्सपेरिमेंट करता हूं, 6 ईयर्स से, और मैंने साविरारु पेशेंट डायबिटीज का क्योर किया है ओनली विद दिस काउ यूरिन हसुमूत्र, कुछ नहीं। सुबह 50 मिलीग्राम हसुमूत्र पीना, मूर्तिंगड़ा 90 डेज, 90 डेज में डायबिटीज क्योर, 100% गारंटी, विदाउट एनी साइड इफेक्ट और विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ हसुमूत्र। सिमिलरली आपको अर्थराइटिस है, जॉइंट्स पेन है, ब्रोंकाइटिस है, हसुमूत्र पीना 1 मंथ में क्योर होता है, विद इन 1 मंथ। पाइल्स है, हेमोरॉइड्स है, 1 मंथ में क्योर होता है, मैक्सिमम 30 डेज लगता है। और हसुमूत्र के साथ कॉम्बिनेशन अगर हम करें तो भारत का जो किचन है, हमारा स्वयं पाक घर है जहां पर हम भोजन बनाते हैं, वहां जो कुछ भी है वो सभी मेडिसिन, जीरा है, हड़द है, टर्मेरिक है, धनिया है, उप है, ये सभी मेडिसिन है। इसका कॉम्बिनेशन हमको माहिती होना, और ये कॉम्बिनेशन से आप 90 डिसीज क्योर कर सकते। तो इंपोर्टेड मेडिसिन का आवश्यकता नहीं। और ये 6 ईयर्स मैंने एक्सपेरिमेंट किया हसुमूत्र का, उसमें बंधु पुस्तक बनाया, हसुमूत्र चिकित्सा, गोमूत्र चिकित्सा, वो पुस्तक अभी कन्नड़ भाषा में है, आप उसको ले सकते हैं अभ्यास करना। अभ्यास करने के बाद वो पुस्तक में मेरा कॉपीराइट नहीं, सभी को कॉपी करने का राइट, आप वो पुस्तक को रीप्रिंट करना और डिस्ट्रीब्यूट कर, तो मैक्सिमम लोगों को माहिती होगा हसुमूत्र चिकित्सा का, तो किसी को इंपोर्टेड मेडिसिन का आवश्यकता नहीं, हम डिसीज फ्री हो सकता हसुमूत्र। सिमिलरली जब भी फार्मर्स आपके पास आते हैं उनको बोलना हसुमूत्र प्रयोग करना, स्वयं के लिए और भूमि के लिए, दोनों के लिए। भूमि में हसुमूत्र बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन, भूमि के लिए, शरीर के लिए, दोनों के लिए। तो फार्मर्स हसुमूत्र का प्रयोग करेगा, फिर हसुसंगणी प्रयोग करेगा कृषि के लिए, तो उसको रासायनिक गोबर, यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट का आवश्यकता नहीं है। रासायनिक गोबर आवश्यकता नहीं होगा तो बंद वर्ष में 28 करोड़ रुपए 28,000 करोड़ रुपए सेव होगा फार्मर्स का, जो रासायनिक गोबर खरीदने में वेस्ट हो, और वो अगर सेव किया तो वो पैसा आपके बैंक में डिपॉजिट हो, अल्टीमेट प्रॉफिट आपको ही मिलने वाला। इसलिए आप फार्मर्स को ये ज्यादा बोलना, सावयव कृषि करो, रासायनिक गोबर बहिष्कार करो, ये विषय पर बंद छोटा पुस्तक मैंने बनाया, स्वावलंबी कृषि, सावयव कृषि, वो पुस्तक भी कन्नड़ में है। एक पुस्तक बनाया स्वदेशी चिकित्सा, ऐसा ऐसा हदनहित पुस्तक बनाया WTO और ग्लोबलाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, ये सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कर सकते हैं। और भारत में निरुद्योग समस्या का परिहार भी होता है, गांव गांव में हम सभी को बोलेंगे हमारा गांव में सोप बनाएंगे, हम यूज करेंगे, बाहर का सोप नहीं लाएंगे,
हमारा गांव में दंतमंजन बनाएंगे हम यूज करेंगे, बाहर का दंतमंजन नहीं लाएंगे। हमारा गांव में शैंपू बनाएंगे हम यूज करेंगे, बाहर से नहीं लाएंगे। तो सोप, दंतमंजन, शैंपू जैसा हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट गांव गांव में बनेगा, फिर गांव में बिकेगा, निरुद्योग समस्या का परिहार होगा। सिंपल है। तो बी इंडियन एंड बाय इंडियन, भारतीय रागी भारतीय वस्तु गुणनु बढ़सी जो प्रिंसिपल है, ये भारत के सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। बस हमें इसको प्रमोट करना है। और आप पर्सनल लाइफ में थोड़ा एक चीज जरूर करिए, यदि आप कॉटन को प्राइस देना चाहते हैं और कॉटन ग्रोअर फार्मर्स को मदद करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जास्ती से जास्ती कॉटन वस्त्र पहनिए, खादी वस्त्र पहनिए, सूती वस्त्र पहनिए। आप जितना जास्ती सूती वस्त्र खादी वस्त्र पहनेंगे उतना ही जास्ती उसको प्राइस मिलेगा, क्योंकि जिस चीज का डिमांड जास्ती होता है प्राइस भी उसको जास्ती मिलेगा। तो कॉटन ग्रोअर्स को ज्यादा प्राइस देना है तो सिंथेटिक टेरेलिन टेरिकॉट शिफॉन जॉर्जेट ये जो फॉरेन क्लोथ्स हैं ये बॉयकॉट करके सूती वस्त्र खादी वस्त्र ज्यादा से ज्यादा हम प्रयोग करें तो निरुद्योग समस्या का संपूर्ण समाधान और भारतीय पूरी की पूरी परंपरा और अर्थव्यवस्था को बचाने का रास्ता खुलता है। यही मैं आपसे निवेदन करने आया। आप इसको करें, दूसरों को करने के लिए प्रेरित करें, मुझे बहुत खुशी होगा। मैंने ये कैंपेन जब स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा अभी लगता है कि हमें कुछ वॉलंटियर्स चाहिए। अभी मैं क्या करता हूँ, WTO और ग्लोबलाइजेशन के इश्यूज पे ट्रेनिंग कैंप करता हूँ। वो ट्रेनिंग कैंप में मैं कुछ लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, वो फिर गांव गांव जाके दूसरों को ट्रेन कर सकते। तो ऐसा कुछ वॉलंटियर्स आप मुझे देंगे तो मैं उनको भी ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। ये ट्रेनिंग कैंप राउंड द ईयर में करता हूँ, कर्नाटक राज्य में मिनिमम 3-4 कैंप में करता हूँ एक वर्ष को, 7 days का, 3 days का, मिनिमम 3 days, मैक्सिमम 7 days। अभी नेक्स्ट ट्रेनिंग कैंप में करने वाला हूँ थर्ड में, तो उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और सबसे मजे का क्या खेल है ये कि भारत में बैंक ओपन करना है, एक पैसा भी वो अमेरिका से ना लाए, यही से सारा पैसा उठा के वो बैंक ओपन कर सकता है और यही से प्रॉफिट ले जाना स्टार्ट कर सकता है ऐसा। तो यहाँ क्योंकि डोमेस्टिक सेविंग्स का रेट हाईएस्ट है वर्ल्ड में, सभी लोग यहाँ पे बैंक में ज्यादा से ज्यादा पैसा रखते हैं, या तो इंश्योरेंस कंपनियों में रखते हैं, या तो हमारा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सेविंग्स होता है, या तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं उसके माध्यम से सेविंग्स होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र आदि आदि। तो भारतीय नागरिकों का ये जो टेंडेंसी है, मेंटल टेंडेंसी है, पैसे को बचाना, कम से कम में खर्चा चलाना, ये टेंडेंसी पूरे विश्व में दूसरा नागरिक को नहीं है। अमेरिका में क्या होता है, यूरोप में क्या होता है, यूरोपियन नागरिक वीकली $100 अगर कमाता है तो उसका मिनिमम एक्सपेंडिचर $150 होता है वीकली, $150, $160, $200 होता है। वो हमेशा क्रेडिट में ही रहता, ये वीक का सैलरी मिला तो नेक्स्ट वीक कुछ ना कुछ वो उधार लेने वाला, फिर वो उधार को नेक्स्ट वीक रिपे करे, फिर लेने वाला, फिर वो जिंदगी जब भी पैदा होता है शुरू होता है तो वहां से वो लोन से शुरू करता है, क्रेडिट से शुरू होता है, और जब भी मरता है तभी भी वो क्रेडिट में ही मरता है, लोन लेते लेते जन्म लेता है और लोन देते देते मरता है। अमेरिका में ये है। तो अमेरिका में डोमेस्टिक सेविंग्स रेट वर्ल्ड में लोएस्ट। आपका मन में प्रश्न आ सकता है, यदि अमेरिका में डोमेस्टिक सेविंग्स रेट लोएस्ट है तो अमेरिकन बैंक सर्वाइव कैसे करता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझना चाहिए। अमेरिकन सिटीजन पैसा नहीं रखता बैंक में, रखता है तो वो लोन के इंस्टॉलमेंट में कटता, वो कभी भी सरप्लस नहीं होता है, हमेशा वो इतना जास्ती लोन ले लेता है पहले ही कि वो जिंदगी भर उसको रिपे करता रहता है। लोन से हाउस खरीदता है, लोन से कार खरीदता है, लोन से टीवी लेता है, लोन से सब कुछ लेता है अमेरिका में, लोन से इंश्योरेंस का पॉलिसी भी लेता है वो, अभी लोन से ही अमेरिका में सब होता है, यूरोप में भी सेम वही कंडीशन है जो अमेरिका में। फिर अमेरिकन बैंक सर्वाइव कैसे करता है? अमेरिकन बैंक सर्वाइव करता है पेट्रो डॉलर्स को वहां पे रखने से। दुनिया में कुछ कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल अरब कंट्रीज है, ईरान, इराक, बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ये देशों को बहुत इनकम है, एक्सपेंडिचर बहुत कम है, उनका जो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है स्टडी करने लायक, क्योंकि जितना भी गल्फ कंट्रीज है बहुत छोटा है, टाइनी कंट्रीज है, सिटी कंट्रीज है। सपोज करो बहरीन, बहरीन तो इतना बड़ा कंट्री है जितना बड़ा गुलबर्ग का डिस्ट्रिक्ट,
ओमान, ओमान तो इतना बड़ा कंट्री है जितना बड़ा बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। कुवैत, कुवैत तो इतना बड़ा कंट्री है जितना बड़ा हुगली धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट। ये सभी तो सिटी कंट्री है। तो इनके यहाँ क्या होता है, एक्सपेंडिचर बहुत कम है, इनकम बहुत जास्ती है। इनकम क्या है, पेट्रोल है, पेट्रोल है, पेट्रोल है, पैदा करो, बेचो बेचो बेचो, और पेट्रोल का प्राइस अभी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, कम कभी होता नहीं है। क्रूड ऑयल का प्राइस हमेशा बढ़ता है, अभी 45, 46 डॉलर पर बैरल है। बीच में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था तब तो 55 डॉलर पर बैरल तक हुआ, 60 डॉलर पर बैरल तक चला गया। तो उनको इनकम बहुत है। तो ये सभी देशों में जो शेख है, शेख मीन्स बिलियनर, तो उनका सभी का डिपॉजिट अमेरिकन बैंक्स में, उस पर अमेरिकन बैंक सर्वाइव करता है। अमेरिकन बैंक अमेरिकन सिटीजन के डिपॉजिट्स पे सर्वाइव नहीं करता। अमेरिकन सिटीजन डिपॉजिट्स रखता ही नहीं, मैंने आपसे कहा, वो तो बैंक से लेता रहता है और बैंक उसको जिंदगी भर काटने के लिए, इंस्टॉलमेंट लेने के लिए उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। वहां का तो व्यक्ति कर्ज में जिंदा होता है, पैदा होता है कर्ज में ही मरता। तो उनके सारे बैंक्स चलते हैं। अरब कंट्रीज का जो फैमिलीज है, जो शेख फैमिलीज है, जिनका ट्रिलियन ऑफ डॉलर का इनकम है, ऑयल इनकम है, वो सभी डिपॉजिट अमेरिकन बैंक्स में है, उस पर अमेरिकन बैंक सर्वाइव करता है। अमेरिकन डिपॉजिटर्स पे अमेरिकन बैंक सर्वाइव नहीं करता। अभी लास्ट मंथ दिसंबर 2004 में मैं गल्फ कंट्रीज को विजिट करने गया था। वहां पर मुझे गेट एग्रीमेंट में कुछ लेक्चर्स देना था, तो मैंने वहां का कुछ शेख फैमिलीज को बात किया। कुवैत का एक शेख फैमिली को मैंने पूछा, आपका अमेरिकन बैंक में कितना डिपॉजिट है? तो उसने कहा $3 trillion। 1 trillion इज इक्वल टू 1000 billion, $3000 billion। 1 billion इज इक्वल टू 100 crores, 100 koti। एक फैमिली का $3 trillion, $3000 billion एक शेख फैमिली का अमेरिकन बैंक में डिपॉजिट। मैंने उसको पूछा कुवैत में ऐसा कितना फैमिलीज है? उसने कहा 1742 फैमिलीज हैं जिनका मोर देन $3 trillion अमेरिकन बैंक्स में डिपॉजिट। उस पर अमेरिकन बैंक ऑपरेट करते हैं, वो उनका प्रॉफिट है। एक तो ये, दूसरा क्या होता है, ये सभी जो गल्फ कंट्रीज है इसको अमेरिका ने कंट्रोल करके रखा हुआ, बाय हुक और बाय क्रुक ये सभी गल्फ कंट्रीज को कंट्रोल किया हुआ। सऊदी अरब में अमेरिकन आर्मी का इंस्टॉलमेंट है, बहरीन कुवैत में अमेरिकन नेवल फोर्स है, और इराक में तो अभी डायरेक्ट उनका गवर्नमेंट है। तो ये सभी देशों में उन्होंने कंट्रोल किया, वो कंट्रोल उनका बैंकिंग इंडस्ट्री को सर्वाइव रखने के लिए। हाँ, तो ये क्या करता है, ये जितना भी तेल बेचता है, ऑयल को सेल करता है, उसका सारा डिपॉजिट अमेरिकन बैंक में चला जाता, उनका बैंक में नहीं आता, अमेरिकन बैंक में जाता, वहीं से सारा ट्रांजेक्शन होता है, अमेरिकन बैंक के थ्रू सारा ट्रांजेक्शन वो करता। ऑयल को किसी को बेचा तो डिपॉजिट आकर उनका अकाउंट में आएगा अमेरिकन बैंक में, और अमेरिकन बैंक से उन्होंने पैसा को कहीं और ट्रांसफर किया तो जो ट्रांजेक्शन होता पर ट्रांजेक्शन अमेरिका में $50 वो सर्विस चार्ज लेता अमेरिकन बैंक, तो $50 पर ट्रांजेक्शन में उनको मिलता है। सपोज करो उन्होंने एक डील किया, या तो खरीदा या तो बेचा, अमेरिकन बैंक को पैसा भी मिलेगा और वो $50 पर ट्रांजेक्शन सर्विस चार्ज भी मिलेगा। तो वो पैसे का अमेरिका इस्तेमाल करता, भरपूर इस्तेमाल करता है, और अमेरिका का जो दोस्त देश है वो भी इस्तेमाल करता है। तो सारा का सारा अमेरिका और यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम ये जो पेट्रो डॉलर है इस पर जिंदा है। उनके अपने सेविंग्स कुछ भी नहीं है, सेविंग्स करने का टेंडेंसी नहीं है, उनका सिविलाइजेशन ऐसा है खाओ पियो मजा करो, ये उनका फिलोसफी है। पैसा कमाया और खत्म किया, कमाया खत्म किया। वीकली सैलरी मिलता है तो 1 वीक में जितना कमाया उससे जास्ती खर्च करना है, फिर नेक्स्ट वीक में कमाया उससे जास्ती खर्च करना है, ये तरह के सिस्टम में पूरा अमेरिका यूरोप रन करता है। तो अमेरिकन बैंकिंग इंडस्ट्री वो दिन कॉलेप्स हो जाएगा जो दिन अरब फैमिलीज अपना डिपॉजिट विड्रॉ कर लेगा, सारा अमेरिकन बैंक कॉलेप्स हो जाएगा। सपोज करिए 1 फैमिली का $3 trillion जो दिन उसने विड्रॉ किया वो दिन तो बैंक गया, अमेरिकन बैंक के पास $3 trillion भी नहीं होगा उसको देने के लिए, अगर वो चेक लेके पहुंच गया कि मुझे दे दो मेरा डिपॉजिट, हो सकता है फिर वो बोलेगा नहीं देता आपको। अभी हुआ ना सद्दाम हुसैन का, सद्दाम हुसैन का जितना भी डिपॉजिट था अमेरिकन बैंक्स में था,
जब ही सद्दाम हुसैन को अटैक किया, अमेरिकन बैंक ने सद्दाम हुसैन का सारा डिपॉजिट कन्फिस्केट कर लिया। हाँ, और वो बोल दिया कि हम जो अटैक करेगा इराक पर, उसका जो खर्चा आएगा वो सद्दाम हुसैन के अकाउंट से हम ले लेगा। ऐसा चीटर है ये सब अमेरिकन बैंक, अमेरिकन गवर्नमेंट इतना बड़ा चीटिंग करते हैं कि अटैक करेगा इराक को, खर्चा होगा अमेरिका का, वो खर्चा सद्दाम हुसैन के अकाउंट से ले लेगा। इसलिए वो बोल दिया कि तुम्हारा अकाउंट अभी हम वापस नहीं देते। यही टाइम उन्होंने कुवैत वॉर में किया था, जब गल्फ वॉर हुआ था ना 1991 में, तो अमेरिकन आर्मी कुवैत को प्रोटेक्ट करने के लिए गया, सारा खर्चा कुवैत का शेख लोगों का जो अकाउंट में पैसा था उसमें से ले लिया पूरा। वो बाद में उनको बता दिया कि तुम्हारा अकाउंट से इतना ले लिया क्योंकि हमने तुम्हारा रक्षा किया, सद्दाम हुसैन से तुम्हारा रक्षा किया। और ये इतना चीटर है कि सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने प्रवोक किया कुवैत को अटैक करो, और इधर से इसने कुवैत में आर्मी भेज दिया कि हम तुमको प्रोटेक्ट करता, पैसा दे दो हमको इसका। सद्दाम हुसैन को बोला कि तुम अटैक करो कुवैत को, तो सद्दाम हुसैन ने अमेरिकन प्रोवोकेशन पे अटैक किया, बाद में पैसा इधर से भी ले लिया, इधर से भी सद्दाम हुसैन से ले लिया और इससे भी ले लिया, अरब के शेख फैमिली। तो ये सारा अमेरिकन यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम जो चलता है, ये तो उनका अपना मेहनत से, अपना कमाई से नहीं चलता है, वो अरब देशों का जो शेख लोगों का पैसा वहां पे है उससे चलता है। और आप जानते हैं कि यूरोप में एक कंट्री है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड, वो तो अद्भुत है, उनका तो बैंकिंग इंडस्ट्री चलता है ब्लैक मनी का, पूरा दुनिया का जो ब्लैक मनी है वो सभी स्विस बैंक में आता है। स्विस बैंक उसको कभी बोलता नहीं है कहां से लाया, कितना लाया, लाओ डिपॉजिट करो, लाओ डिपॉजिट करो। और दुनिया का सभी माने क्रुकेड लोग, लंच खोर पॉलिटिशियन, लंच खोर ऑफिशियल्स, ये सब स्विस बैंक में जाके डिपॉजिट करता है। स्विस बैंक में माने स्विट्जरलैंड में 37 बैंक्स है, बैंक ऑफ ज्यूरिख, बैंक ऑफ जिनेवा, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, ऐसा 37 बैंक्स है। वो पूरा रन करता है इसी पर कि दुनिया का जितना भी चीटर पॉलिटिशियंस है, जितना भी चीटिंग करने वाला पॉलिटिशियन है, सभी लोगों का अकाउंट स्विस बैंक में रखता है। भारत का पॉलिटिशियन का अकाउंट वहां पे रखता है, भारत का ऑफिसर्स का अकाउंट वहां पे रखता है, पाकिस्तान का पॉलिटिशियंस का अकाउंट स्विस बैंक में, बांग्लादेशी पॉलिटिशियंस का अकाउंट स्विस बैंक में, सिंगापुर पॉलिटिशियंस का अकाउंट स्विस बैंक में, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सभी देशों का। और जो कंट्री में करप्शन जितना जास्ती है उतना ही जास्ती उनका स्विस बैंक अकाउंट। करप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्विस बैंक अकाउंट। करप्शन जितना जास्ती होगा उतना ज्यादा अकाउंट वहां पे ओपन होता है, वो लोग उसमें जिंदा रहे। अभी भारत का पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स का स्विस बैंक में आप सोच सकते हैं $1,000 बिलियन डिपॉजिट। $1,000 बिलियन अर्थ होता है 40 लाख करोड़ रुपए, 48 लाख करोड़ रुपीस। ये इतना तो भारत का पॉलिटिशियन का, फिर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, फिर बांग्लादेशी पॉलिटिशियन, फिर इंडोनेशियन पॉलिटिशियंस, आप कल्पना कर सकते हैं स्विस बैंक में कितना होगा। और ये स्विस बैंक में जो पैसा आता है, दुनिया में दो ऐसा देश है जिनका बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत यूनिक है। स्विट्जरलैंड का बैंकिंग इंडस्ट्री कभी भी किसी को इंटरेस्ट नहीं देता, कुछ भी डिपॉजिट करो इंटरेस्ट नहीं देगा, 1% भी नहीं देता, 1% भी नहीं देता, 0.5% भी नहीं देता, वो सर्विस चार्ज लेता है, इंटरेस्ट कभी पे नहीं करता। आप स्विस बैंक में $1,000 बिलियन डिपॉजिट करो, वो कुछ इंटरेस्ट नहीं देगा, वो आपसे लेगा, वो बोलता है आपका लंच का पैसा, रिश्वत का पैसा हम रखता, हमको पैसा दे दो इसमें। और ये सभी करप्ट पॉलिटिशियंस उनके ये कंडीशन को मानता है, इसलिए वहां पे पैसा डिपॉजिट करता है। तो वो स्विट्जरलैंड का बैंक कभी भी किसी को एक पैसा भी इंटरेस्ट नहीं देता। सिमिलरली अभी जापान में भी ऐसा ही हो गया है, जापानीज बैंक में आप अकाउंट ओपन करेंगे वहां भी अभी इंटरेस्ट नहीं देता, वो वही रास्ते में अभी चल रहा है जिसमें स्विट्जरलैंड चल रहा है। तो ये बैंकिंग सिस्टम जो यूरोप का है, स्विट्जरलैंड का है, और अदर यूरोपियन कंट्रीज का बैंकिंग सिस्टम अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम जैसा ही है, शेख फैमिलीज का डिपॉजिट किया हुआ है, बहुत सारे दूसरे भारत के राजा परिवारों का जो पैसा है वो डिपॉजिट उन्होंने रखा हुआ है, दुनिया के दूसरे देशों के राजघराने का, इसी पे वो सारा रन करता है। लेकिन इंडियन बैंकिंग सिस्टम दुनिया में यूनिक है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम रन करता है भारत के लोगों का खून पसीने के कमाई का डिपॉजिट पे।
भारतीय बैंक काम करता है भारत के लोगों का, जो डोमेस्टिक सेविंग्स है, रियल सेविंग्स, उस पर हमारा बैंक काम करता है। हमारा बैंक लंच कोर पॉलिटिशियन का डिपॉजिट नहीं रखता, और लंच कोर पॉलिटिशियन को माहिती है कि भारतीय बैंक में डिपॉजिट किया तो कभी भी पोल खुल सकता है। तो इसलिए भारत में भ्रष्टाचारी लोगों का और कदाचारी लोगों का पैसा भारतीय बैंकों में नहीं है। भारतीय बैंकों में भारतीय नागरिक का पैसा है, जो मेहनत से कमाता है और जिसका टेंडेंसी है सेविंग्स करने का, उस पर हमारा बैंकिंग सिस्टम रन करता है। तो ये यूनिक डिफरेंस है। फॉरेन बैंकिंग सिस्टम और इंडियन बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम में जो डिपॉजिट्स हैं वो रियल डिपॉजिट्स हैं, डोमेस्टिक सेविंग्स है, रियल सेविंग्स है वो है, लेकिन यूरोपियन और अमेरिकन बैंक्स में अमेरिकन यूरोपियन लोगों का सेविंग्स नहीं है, फॉरिनर्स का सेविंग उनके बैंक में है, इसलिए वो रन करता है। अभी ये लोग भारत में आएगा तो क्यों आ रहा है? उनको माहिती है कि भारत का लोग रियल सेविंग्स करता है, डोमेस्टिक सेविंग्स बहुत है यहाँ पर, और यहाँ पर डोमेस्टिक सेविंग्स है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, बिलियंस ऑफ डॉलर वो यहाँ डिपॉजिट करके वो पैसे से अमेरिकन कंपनीज को सपोर्ट कर सकता है, अमेरिकन सिस्टम को सपोर्ट कर सकता है, अमेरिकन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सकता है, यूरोपियन बैंक्स को सपोर्ट कर सकता है, यूरोपियन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सकता है, वो इसलिए यहां पर आता है। और भारत में लास्ट 50 इयर्स में सबसे बड़ा अगर कोई डेवलपमेंट हुआ है इस देश में, लास्ट 50 इयर्स में जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है अगर कुछ है तो वो है हमारा डोमेस्टिक सेविंग्स। ये डायरेक्शन में भारत का डेवलपमेंट बहुत हुआ है। 1945-46 में और सॉरी 47-48 में भारत में जो डोमेस्टिक सेविंग्स रेट था वो जीडीपी का मैक्सिमम 1.5% 2% के आसपास था। फिर धीरे धीरे डोमेस्टिक सेविंग्स रेट इंक्रीज हुआ। अभी भारत में टोटल जीडीपी का 36% डोमेस्टिक सेविंग्स, इतना इंक्रीज है लास्ट 56 इयर्स, और ये ट्रमेंडस इंक्रीज है। इतना ज्यादा भारत ने तरक्की कोई क्षेत्र में नहीं किया जितना तरक्की सेविंग्स में भारत ने किया है। और आप देखिए इंडियन बैंक्स के पास कितना पैसा है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस छोटे छोटे बैंक के पास है। और छोटा छोटा बैंक भारत में स्मॉल स्केल का, कोऑपरेटिव बैंक्स को देखिए उनके पास कितना डिपॉजिट है, छोटा छोटा बैंक में करोड़ ऑफ रुपीज का डिपॉजिट है। और बैंक के भी नीचे अभी तो भारत में पद संस्था खुल गया महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उनके पास डिपॉजिट्स है। और अभी वो स्त्री सहायता समूह शुरू हो गया, उनके पास डिपॉजिट, माने डिपॉजिट इस देश में है, अद्भुत है। ये तो हमारी टेंडेंसी के कारण है, ये तो इसलिए नहीं है कि हमारा भारत का लोग अमेरिकन स्टाइल का जिंदगी नहीं जीता, इसलिए ये डोमेस्टिक सेविंग्स है। जब भी भारतीय नागरिक अमेरिकन हो जाएगा ये डोमेस्टिक सेविंग्स खत्म हो जाएगा। तो वो यहां आता है, उसको माहिती है कि यहां पे सेविंग्स बहुत है, और उसको माहिती है भारतीय नागरिक सीधा साधा भोला भाला है, कोई फॉरेन बैंक का बोर्ड देख के जल्दी आएगा अकाउंट ओपन करने के लिए, और वो इतना सीधा साधा भोला भाला कि वहां पर कोई काउंटर में लड़की बैठा है थोड़ा हाफ नेकेड है तो और जल्दी आएगा वहां पे अकाउंट ओपन कराएगा, उसको थोड़ा सा लालच देगा वो लालच में फंस जाएगा, क्योंकि सीधा साधा भोला भाला आदमी को बहुत आसानी से आप फंसा सकते हैं। वही कर रहा है ये सब यहाँ पर। और मुझे दुख है कि वो समाज का कुछ सेवा नहीं करता। एक तो मैंने आपसे कहा जब भी नेचुरल डिजास्टर होगा, नेचुरल क्लेमिटी होगा, फॉरेन बैंक उसमें कोई मदद नहीं करता, वेदर सुनामी या तो गुजरात भूकंप, गुजरात अर्थक्वेक, उत्तरकाशी अर्थक्वेक, लातूर अर्थक्वेक, ये जितना भी भारत में होता कभी भी फॉरेन बैंक इसमें कोई मदद नहीं करता। ना तो उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देता है, ना तो कम इंटरेस्ट में लोन देता है, ना तो अपना बैंक से थोड़ा भी पैसा निकाल के वहां खर्च करता, कभी नहीं करता। जब भी भारतीय बैंक है सबसे पहले ये करता है। अभी जब 26 दिसंबर को आ गया सुनामी, अर्थक्वेक हो गया, भूकंप आया, 27 दिसंबर को मद्रास का सभी भारतीय राष्ट्रीय बैंक का ऑफिसर अपना पैसा इकट्ठा करके भेज दिया, 27 विद इन वन डे मद्रास। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका दूसरा पंजाब नेशनल बैंक, बैंक कनारा बैंक, इंडियन बैंक, वैश्या बैंक, और उनका जो लोकल बैंक है तमिलनाडु का, दो चार लोकल बैंक है, विद इन वन डे उन्होंने 4.5 करोड़ रुपीज डिपॉजिट किया, इकट्ठा किया, वो सभी बैंक ऑफिसर्स ने इकट्ठा करके नागपट्टनम में भेज दिया, इमीडिएट विद इन वन डे।
फॉरेन बैंक वाला अभी तक तो नहीं भेजा और नेक्स्ट 4 मंथ्स भी नहीं भेजेगा, और गवर्नमेंट ने जब अपील किया तो बोल दिया हमारे पास नहीं है ये सब खर्चा करने के, और वो कहता है ये हमारा पॉलिसी नहीं, इस तरह से खर्चा करना हमारा पॉलिसी नहीं। दूसरा, ये फॉरेन बैंक्स में जो लोगों को नौकरी मिलता है और भारतीय बैंक में जो लोगों को नौकरी मिलता है, दोनों में बहुत सारे अलग अलग कंसिडरेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, आपका बैंक में नौकरी करते हैं, कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हुआ, कुछ मिस फॉर्चून हुआ, आपका डेथ हो गया, तो आपका जो बेटा है, बेटी है, आपका वाइफ है, उसको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन बैंक करेगा और बैंक उसको कोई ना कोई जॉब देने का कोशिश करेगा ताकि आपका फैमिली रन करता रहे, क्योंकि भारतीय बैंक कॉन्स्टिट्यूशन से पूरा बंधा हुआ है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वेलफेयर कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन स्टेट वेलफेयर स्टेट। तो भारतीय बैंक में आप सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपके वाइफ को जॉब मिल सकता है, आपके सन को मिल सकता है, आपकी डॉटर को मिल सकता है, आपके सन इन लॉ को मिल सकता है, डॉटर इन लॉ को, किसी को भी मिल सकता है। फॉरेन बैंक में ऐसा कोई पॉलिसी नहीं, आपका एक्सीडेंट हुआ खत्म, अभी नेक्स्ट आपका फैमिली से किसी को जॉब मिलेगा इसका कुछ गारंटी। थर्ड, भारतीय बैंक में यदि कोई सपोज करो स्पास्टिक है, उसका राइट हैंड काम नहीं करता, राइट लेग काम नहीं करता, पैरालिसिस हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट का कंडीशन है कि ऐसा जो स्पास्टिक लोग है उनको तो कोई ना कोई जॉब देना पड़ेगा, तो ऐसा जॉब देना जिससे वो कर सकता है। तो भारतीय बैंक में ये कंसिडरेशन होता है, और आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो फिजिकली डिसेबल है, अनेबल है, या फिजिकली थोड़ा कम काम कर सकता, उसको भी आप जॉब देंगे, फॉरेन बैंक्स नहीं देते, सवाल ही नहीं उठता। और भारतीय बैंक में क्या होता है, सपोज करो इंडियन आर्मी का कोई सैनिक है, वो रिटायर हो गया, तो भारतीय बैंक में उसको जॉब मिल सकता है। इंडियन आर्मी का कोई ऑफिसर है, रिटायर हो गया, उसको भारतीय बैंक में जॉब मिल सकता है। इंडियन एयरफोर्स का कोई ऑफिसर है, 15 इयर्स उसने देश को सर्विस कर सकता है, उसको सिक्योरिटी में रख सकता है, क्लेरिकल स्टाफ में रख सकता है, मैनेजमेंट में, कहीं भी आप उसको एडजस्ट कर सकता है। फॉरेन बैंक नहीं करता, वो कहता हमको फ्रेश चाहिए, आर्मी में सर्विस किया उनको नहीं चलेगा, एयरफोर्स में सर्विस किया नहीं चलेगा, और उनका ये कंसिडरेशन नहीं है। आपका कंसिडरेशन ये है कि इसने देश को सेवा किया, 15 इयर्स उसने एयरफोर्स को सेवा किया, देश को सेवा किया, इसलिए अभी बैंक उसको जॉब ऑफर करता है। हमारा कंसिडरेशन ये है, फॉरेन बैंक्स का कंसिडरेशन ये नहीं, उसको तो कभी दिमाग में आता नहीं है कि इसने भारत को सर्विस किया, उसने कहा सो व्हाट, सर्विस किया तो किया, हमारे लिए तो नहीं किया। और भारतीय बैंक जो है ना छोटा छोटा हल्डी हल्डी नगर नगर में अपना ब्रांच ओपन करता है ताकि गरीब से गरीब आदमी को बैंकिंग सेक्टर का लाभ मिले, गरीब से गरीब आदमी। मैंने देखा है भारत का कोई फिशरमैन भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट होल्डर हो सकता है, जिसका डेली इनकम 50 रुपए होगा, 60-70 रुपीज 80 रुपीज, वो भी अकाउंट होल्डर हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, लेकिन वो सिटी बैंक का अकाउंट होल्डर नहीं हो सकता, क्योंकि सिटी बैंक में उसको घुसने का रास्ता नहीं, एंटर करने का परमिशन नहीं। छोटा छोटा गांव में, छोटा छोटा नगर में, ऐसा रिमोट प्लेस में जहां पर कोई जाने का सोचता नहीं है, वहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखाई देता। मैं भारत में बहुत भ्रमण किया है, भारत में मेरा लास्ट 14 इयर्स से मैं घूमता है, मैंने ऐसा बहुत ऐसा विलेज देखा है जहां पर डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसा बहुत गांव मैंने मेरी आंखों से देखा। वो गांव का जो स्टूडेंट्स है उनको स्कूल के लिए बाहर जाना होता है, डॉक्टर के लिए बाहर गांव में जाना पड़ता है, बैंक उनका अपना गांव, वो बैंक उनको सर्विस देता है, भले वो बैंक में 3 या 4 लोगों का स्टाफ है लेकिन सर्विस देने के लिए वहां है। और ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस लॉस में चलते हैं, फिर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल बैंक उस लॉस को बियर करता है, क्योंकि वो नेशनल सर्विस है, हम वो सर्विस के लिए है वहां, बिजनेस के लिए नहीं है। बिजनेस तो कहां क्या मिलेगा, सपोज करो आदिवासी गांव में जाके जहां आपने बैंक ब्रांच खोल दिया वहां बिजनेस क्या मिलेगा, डिपॉजिट नहीं मिलने वाला, लेकिन आपको सर्विस देना इसलिए आप वहां पर है, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइन है इसलिए आप वहां पर है। लेकिन फॉरेन बैंक्स को ये गाइडलाइंस नहीं है, वो नहीं जाने वाला। फॉरेन बैंक्स क्या करेगा, बेंगलोर में ब्रांच ओपन करेगा, मैसूर में ओपन करेगा, हुबली धारवाड़ में कर देगा,
बहुत अधिक शिमोगा में कर देगा, गुलबर्गा में करेगा, मुंबई में करेगा, मद्रास में, हैदराबाद में, जो क्रीमी सिटीज हैं, जहां क्रीमी लेयर रहता है भारत का, वहां पर अकाउंट आप रखिए, वहां पे वो ब्रांच खोलेगा। वो आप बोलोगे कि थोड़ा दूर गांव में जाओ, वो नहीं जाता, वो कहता हमको क्यों जाने का, हमको तो यहीं पे बिजनेस करना। लेकिन मुझे बहुत दुख है कि जो फॉरेन बैंक ना हमको सोशल सर्विस देता है, जो फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज ना तो हमको सोशल सर्विस देता है, ना भारतीय नागरिकों को सपोर्ट करता है, ना नेचुरल डिजास्टर और क्लेमिटी में हमको सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके लिए सब कुछ ओपन कर रहा है, आओ आओ भारत को लूट कर लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ। और मुझे सबसे बड़ा दुख यह है कि जो व्यक्ति ने फॉरेन बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी के लिए मार्केट ओपन किया था 91 में, वो अभी प्राइम मिनिस्टर है भारत का, अभी वो कहता और जास्ती ओपन करना मार्केट। पहले उसने बोला था कि हम फॉरेन बैंक्स को 26% इक्विटी का परमिशन देंगे, फिर 49% इक्विटी का परमिशन दिया, फिर 74% इक्विटी का परमिशन देने का अभी बात करता है, और अभी वो बोलेगा नेक्स्ट ईयर में 100% इक्विटी का परमिशन देंगे। टोटल फॉरेन बैंक्स को हम भारत में बुला देंगे, फिर फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज को भी बुला देंगे। अभी अगर उनको 100% इक्विटी मिल गया तो वो क्या करेंगे आप सोचो। अभी तो थोड़ा इक्विटी मिला है तभी उन्होंने इतना बड़ा काम किया। मैंने आपसे कहा ना HDFC, एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक सिंगल ब्रांच से ओपन किया था, जीरो डिपॉजिट से 70,000 करोड़ का डिपॉजिट है, 247 ब्रांचेस उनका है, उनका जो ग्रोथ रेट है वो कोई भी बैंक में अभी बहुत ज्यादा है। तो अभी जब 100% इक्विटी का उनको खुला छूट होगा तभी वो क्या करेगा यहां आके, बहुत तकलीफ करनी। और मुझे सबसे बड़ा दुख है कि फॉरेन कंपनीज को मार्केट ओपन करना उनको लूट का खुला छूट, फॉरेन बैंक्स को पूरा ओपन कर देना महालूट का महाछूट, और जास्ती लूट के लिए खुला छूट, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में वो कितना लूट कर सकता है आप सोच नहीं सकते। ये फॉरेन बैंक्स कैसे कैसे लूट लेता है आपको माहिती है, जो प्राइस दिस रुपी और डॉलर के प्राइस मैकेनिज्म पे ही वो बिलियंस ऑफ डॉलर कमाता रहता है। कैसे करता है मैं बता दूं, सिटी बैंक ऑफ अमेरिका भारत में क्या खेल खेलता है। सिटी बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस, ABN एम्ब्रो, ये HSBC, ये सभी बैंक क्या करता है, उसको माहिती है नेक्स्ट डे डॉलर प्राइस कम होगा या रुपी प्राइस कम होगा। सपोज करिए नेक्स्ट डे रुपी प्राइस कम होने वाला है, अभी 44 रुपीज 1 डॉलर है, नेक्स्ट डे 45 रुपीज 1 डॉलर होने का चांस है, ये क्या करेगा, बिलियंस ऑफ डॉलर यहां से हटा देगा, मार्केट से ट्रांसफर करेगा बिलियंस ऑफ डॉलर। फिर क्या होगा, जब ही बिलियंस ऑफ डॉलर उसने आज ट्रांसफर किया, सपोज करो 3rd January 2005 रुपी और डॉलर एक्सचेंज रेट 44 रुपीज 1 डॉलर उसने यहां से ले लिया बिलियंस ऑफ डॉलर, विद इन 2 डेज 3 डेज रुपी 46 1 डॉलर हुआ, अगेन उसने एंटर कर दिया वो पैसा, बिलियंस ऑफ डॉलर लिया 2 डेज पहले, और 2-3 डेज आफ्टर उसने बिलियंस ऑफ डॉलर वापस लाया, तो लाना ले जाने में ही उसको कितना बिजनेस हुआ जरा सोचो, $1 उसने ट्रांजेक्ट किया, 3 रुपीज कमा लिया उसने $1 के ट्रांजेक्शन, $1 यहां से लेके गया और 3 डेज के बाद वही डॉलर भारत में वापस लाया, 3 रुपीज उसने नेट प्रॉफिट बना लिया क्योंकि रुपी प्राइस गिर गया। ये सभी फॉरेन बैंक्स यही बिजनेस करता है, बिलियंस ऑफ रुपीज कमाता, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता ऐसे बिजनेस, और वो क्या करता रहता है। अभी ये जो रुपी और डॉलर प्राइस मैकेनिज्म है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल के बाहर है, अभी मार्केट फोर्सेस इसको कंट्रोल करता है, मार्केट फोर्सेस तय करता है आज रुपी प्राइस क्या होगा, डॉलर प्राइस क्या होगा। पहले गवर्नमेंट फिक्स करता था, अभी गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर हो गया, ग्लोबलाइजेशन में यही होता है, तो अब गवर्नमेंट कंट्रोल के बाहर है, तो ये सभी फॉरेन बैंक्स का फॉरेन कंपनीज के साथ आपस में संबंध है, ये बोलता है आज रुपी प्राइस गिराने का है, आपस में फिक्स कर लेता है और वही दिन गिरा देता है। कोई दिन फिक्स किया आज रुपी प्राइस बढ़ाने का है तो आपस में फिक्स कर लेता है, और उनके सभी बैंक ऑपरेटर्स और उनका इंश्योरेंस कंपनीज और उनका शेयर मार्केट कंपनी सभी उसी एक गाइडलाइन से चलता है, आज रुपी प्राइस गिरने वाला है तो सभी लोग वैसा विड्रॉ करेगा, वहां से विड्रॉ करेगा, नेक्स्ट डे और गिरेगा तो फिर वापस लाके पंप करेगा, वही टाइम में शेयर मार्केट में भी ऐसा ही कैलकुलेशन होगा और उसमें से थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज लेके चला जाए,
ऐसे हमारे देश को लूटता है। उनका जो फॉरेन कंपनीज है, अमेरिकन कंपनीज है, वो तो कुछ प्रोडक्ट सेल करके लूट के ले जाता है, यहां तो कुछ भी प्रोडक्ट सेल नहीं होता, ऐसे ही लूट के ले जाता, कुछ सेल नहीं करता, कुछ देता नहीं आपको, बस आपका प्राइस मैकेनिज्म रुपये और डॉलर का जो ऊपर नीचे होता है उसी में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ कमाता है। बहुत तकलीफ का स्थिति। तो अभी तो ग्लोबलाइजेशन में तो ये हुआ है। अभी गवर्नमेंट क्या बोलता है, अभी गेट करार भी आ गया, 1 जनवरी 2005 से स्टार्ट हो अभी गेट करार। ये मेरा हाथ में गेट करार का कॉपी है, 576 पेजेस का ये अग्रीमेंट है। इसमें 2000 कंडीशंस है, मोर देन 2000, 2000 से जास्ती कंडीशंस, ये सभी अभी भारत में स्टार्ट हो गया। इसका कंडीशंस में बैंकिंग इंडस्ट्री और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए क्या कंडीशंस है मैं आपको बोलता हूं। इसमें 28 अग्रीमेंट्स हैं, WTO अग्रीमेंट में 28 सब अग्रीमेंट्स हैं। सब अग्रीमेंट्स मींस एक बड़ा एग्रीमेंट, उसका अंदर छोटा छोटा एग्रीमेंट। गेट एग्रीमेंट एक जर्नल एग्रीमेंट है, WTO अग्रीमेंट जर्नल एग्रीमेंट है, उसमें 28 सब एग्रीमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल, ऐसा 28 एग्रीमेंट। जो बैंकिंग और इंश्योरेंस से डील करता है वो है एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज। ये जो एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज का जो चैप्टर है, इसका फर्स्ट जो फर्स्ट प्रोविजन है वो ही बहुत खतरनाक है। वो प्रोविजन क्या कहता है कि 1 जनवरी 2005 जब इसे ये स्टार्ट हुआ, वो दिन से भारत में कोई भी फॉरेन कंपनी को सर्विस सेक्टर में आने के लिए रास्ता खोलना, आप उसे रोक नहीं सकते। 1 जनवरी 2005 का बाद कोई भी फॉरेन कंपनी भारत में आके कोई भी सर्विस करना चाहती है उसके लिए दरवाजा खोलना। सेकंड प्रोविजन उसका है कि फॉरेन कंपनीज को नेशनल ट्रीटमेंट देना, अर्थात जो नेशनल कंपनीज को आप सुविधा देते हैं वो सारा सुविधा फॉरेन कंपनीज को देना। इसका अर्थ समझते हैं, हम भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोलते हैं आप कोई आदिवासी गांव में जाइए, वहां पर ब्रांच ओपन करिए, आपको ब्रांच ओपन करने के लिए लैंड चाहिए, भूमि चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा और मिनिमम लैंड रेट पे देगा। सपोज करिए 1 रुपए पर मंथ में आपको लीज रेंट तय करेगा गवर्नमेंट, ये है सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट। अभी फॉरेन कंपनीज को भी ये देना पड़ेगा। यदि इंडियन बैंक को आप चीप रेट पे लैंड देता है, इंडियन बैंक्स को चीप रेट में इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, इंडियन बैंक्स को चीप रेट में कुछ भी मिलता है, नीर मिलता है, पानी मिलता, कुछ भी, वो सभी फॉरेन कंपनीज को चाहिए। दिस इज नेशनल ट्रीटमेंट। इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब है तो सरकार उसमें इंटरवेंशन करके, हस्तक्षेप करके उसको ठीक करता है, लेकिन जो फ्री इकोनॉमी होती है उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। फ्री इकोनॉमी में ये होता है कि जो मार्केट फोर्सेस हैं, बाजार को संचालित करने वाली जो ताकतें हैं, उदाहरण के लिए जाइंट्स मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, फॉरेन कंपनीज, विदेशी कंपनी, वो कंट्रोल करता है टोटल, और वो जो भी डिसाइड करता है वही मार्केट में होता है। उदाहरण के लिए जब ही कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है तो गवर्नमेंट जो है ना करेंसी का प्राइस फिक्स करती है, लेकिन जब फ्री इकोनॉमी होती है तो करेंसी प्राइस मार्केट में फिक्स होता है, गवर्नमेंट उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती। सिमिलरली जब कंट्रोल्ड इकोनॉमी होता है तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट फिक्स करती है, लेकिन जब फ्री इकोनॉमी होता है तो इंटरेस्ट रेट मार्केट में फिक्स होता है, गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन नहीं करती। इसी तरीके से जब कंट्रोल्ड इकोनॉमी होता है तो गवर्नमेंट फिक्स करती है कि बजट का कोई सरप्लस पार्ट है तो वो कहां पर इस्तेमाल करना, लेकिन जब फ्री इकोनॉमी होता है तो गवर्नमेंट ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकती, अर्थात गवर्नमेंट का सीधे के सीधे कोई भी कंट्रोल मार्केट पे नहीं होता, कोई भी मार्केट के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे उनके कंट्रोल नहीं होते। ऐसी इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है। फ्री इकोनॉमी में जो भी कंट्रोल्ड होता है वो बड़े बड़े कंपनीज का होता है, मल्टीनेशनल्स का होता है, ट्रांसनेशनल का होता है। तो ग्लोबलाइजेशन का सीधा अर्थ होता है कंट्रोल्ड, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी से
मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को कंट्रोल करने वाले इकोनॉमी में ट्रांसफर होना। हमारा भारत देश में बिफोर 1991 गवर्नमेंट के कंट्रोल से इकोनॉमी चलता था, लेकिन आफ्टर 1991 सारा इकोनॉमी मल्टीनेशनल कंपनीज के कंट्रोल से अभी चल रहा है हमारे देश में। तो ये जो कंडीशन हमारे देश में आया है, इससे तो कुछ दुष्परिणाम पैदा हो गए। सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये पैदा हो गया कि भारत देश में जब भी फ्री इकोनॉमी की तरफ, ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम बढ़ गए, तो भारत देश में साविरारू विदेशी कंपनी आ गया, थाउजेंड्स ऑफ मल्टीनेशनल्स आ गया। और ये जो विदेशी कंपनी आ गया, ये भारत के सभी सेक्टर में आ गया, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, टेलीकम्युनिकेशन में, फाइनेंस में, होटल मैनेजमेंट में, अभी तो टेक्निकल सर्विसेज में, फिर उसके बाद फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में, FMCG प्रोडक्ट्स में, मेडिसिंस में, रिटेल मेडिसिंस में और जेनेरिक मेडिसिंस में, सभी में मल्टीनेशनल्स आ गया। टेक्सटाइल में आ गया, इवन छोटा छोटा चीजों में भी, उदाहरण के लिए नीर बेचने में, बिस्किट्स बेचने में, टॉफी चॉकलेट्स बेचने में, कॉस्मेटिक्स बेचने में, ये सभी सेक्टर में विदेशी कंपनी का प्रवेश भारत में हो गया। 91 के पहले ऐसा नहीं था। 91 के पहले भारत में क्या होता था कि जो जीरो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स है वो सेक्टर में मल्टीनेशनल्स नहीं आ सकते थे, और कभी किसी कंडीशन में मल्टीनेशनल आते थे तो उनको मेजोरिटी इक्विटी नहीं मिल सकता था, माइनॉरिटी इक्विटी पे वो काम करते थे। लेकिन आफ्टर 91 जब ग्लोबलाइजेशन आ गया तो वो कोई भी सेक्टर में आ सकते हैं और कुछ भी बिजनेस भारत में कर सकते हैं, और गवर्नमेंट उनको कंट्रोल नहीं कर सकती, और वो बिजनेस में जितना भी चाहे प्रॉफिट कमा सकते हैं और वो प्रॉफिट कमा के हमारे देश से ले जा सकते हैं। ये थ्योरी हमारे देश में आफ्टर ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ। बिफोर ग्लोबलाइजेशन हमारे देश में जो विदेशी कंपनी था उनका नंबर बहुत सीमित था, बहुत थोड़ा सा था। बिफोर ग्लोबलाइजेशन, बिफोर 1991 हमारे देश में मैक्सिमम नालकनूर विदेशी कंपनी था। बिफोर 91 400 फॉरेन कंपनीज का, आफ्टर 91 आफ्टर ग्लोबलाइजेशन हमारे देश में 4500 विदेशी कंपनी हो गए। आप अगर देखेंगे 400 से 4500 हो गए। इतना ज्यादा हमारे देश में विदेशी कंपनी का बढ़त हुआ, माने 10 टाइम्स ग्लोबलाइजेशन के बाद फॉरेन कंपनीज आया। और बिफोर 91 बिफोर ग्लोबलाइजेशन हमारे देश में फॉरेन कंपनीज जो था वो कंज्यूमर आइटम्स में ज्यादा नहीं आ सकता था, आफ्टर 91 वो सब कंज्यूमर आइटम में आ गया। बाथ सोप बेचने के लिए, टॉयलेट सोप बेचने के लिए, वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, शैम्पू, हमारे देश में छोटा छोटा आइटम, इवन उप बेचने के लिए, सॉल्ट बेचने के लिए भी विदेशी कंपनी भारत में आ गया, नीर बेचने के लिए भी आ गया, टमेटो सॉस बेचने के लिए, पोटैटो चिप्स बेचने के लिए, सब कुछ बेचने के लिए आ गया। 91 के पहले ऐसा नहीं हो सकता था। सिमिलरली 91 के पहले भारत देश में फॉरेन बैंक्स नहीं आ सकता था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी के बाद भारत देश में फॉरेन बैंक्स आ गया, सिटी बैंक आ गया, ANZ ग्रिंडलेज आ गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड आ गया, HDFC बैंक आ गया, HSBC बैंक आ गया, और जो बैंक आ गया उनका ग्रोथ अभी इतना तेज है कि आप सोच नहीं सकते। HDFC बैंक का मैं लास्ट 10 ईयर से स्टडी कर रहा हूं, हमारे भारत देश में 1994 में HDFC बैंक का एक ओनली वन ब्रांच था, और उनका जो डिपॉजिट था वो 7.8 करोड़ रुपीज था। आज HDFC बैंक का 2004 में 247 ब्रांच हो गया है और उनका डिपॉजिट 70,000 करोड़ रुपीज हो गया विदिन 10 ईयर्स। और ये तो एक HDFC बैंक का मैंने बोला, इसी तरह से सिटी बैंक, इसी तरह से ANZ ग्रिंडलेज, इसी तरह से HSBC, इसी तरह से दूसरे तमाम फॉरेन बैंक्स भारत में आ गए। तो ये ग्लोबलाइजेशन का जो भारत देश में पॉलिसी आया, इसने फॉरेन बैंक्स को भारत में बहुत प्रमोशन किया। सिमिलरली फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज भारत में आ गया। बिफोर 1991 भारत में कोई भी फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी नहीं आ सकता था, आफ्टर 91 हमारे देश में बहुत सारा फॉरेन कंपनीज आ गया, और उन्होंने भारत का प्राइवेट कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर करके मार्केट में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अभी न्यूयॉर्क मैक्स लाइफ करके एक फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी है, इसी तरह से अलायंस ग्रुप फ्रांस का एक कंपनी है जो बजाज के साथ कोलैबोरेशन करके काम करता है,
इसी तरह से कोटक और महिंद्रा ग्रुप के साथ मिलकर काम करने वाले फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी, बहुत सारे फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज भारत में आ गए। तो ये फिनेंशियल सेक्टर विदेशी कंपनियों के लिए खुल गया। इसी तरह से टेलीकम्युनिकेशन में बहुत सारे फॉरेन कंपनीज भारत में आ गए जो 91 के पहले नहीं थे। तो धीरे धीरे भारत का सभी सेक्टर्स में फॉरेन कंपनीज का आना, ये ग्लोबलाइजेशन का एक तरह से भारत में डेफिनेशन है। ग्लोबलाइजेशन के इस ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कंपनीज का भारत में आने से परिणाम क्या हुआ? सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि जो बिजनेस भारतीय कंपनियों के कंट्रोल में था, वो बिजनेस अभी फॉरेन कंपनीज के कंट्रोल में चला है। जो डिपॉजिट्स पहले भारतीय बैंकों में था, वो डिपॉजिट्स अभी फॉरेन कंपनीज के कंट्रोल में चला गया। जो इंश्योरेंस का सेक्टर भारतीय कंपनियों के कंट्रोल में था, मेजोरिटी कंट्रोल में था, वो सेक्टर का अभी 25% फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज के कंट्रोल में चला गया। तो धीरे धीरे भारत का सेक्टर अभी विदेशी कंपनियों के कंट्रोल में जा रहा। और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुआ, बिफोर 1991 ग्लोबलाइजेशन का पूर्व भारत देश का जो शेयर मार्केट था वो भारतीय कंपनियों के कंट्रोल में था। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन भारत का टोटल शेयर मार्केट फॉरेन कंपनीज के कंट्रोल में आया। अभी इंडियन शेयर मार्केट में 100% कंट्रोल फॉरेन कंपनीज का है और भारतीय कंपनी उनका सबसर्वियंट बन के काम करता है। इंडियन शेयर मार्केट अभी फॉरेन कंपनीज का कंट्रोल में, जब भी वो चाहते हैं मार्केट को ऊपर चढ़ाते हैं, प्राइस इंडेक्स बढ़ता जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो ऊपर ऊपर होता है, जो दिन चाहते हैं वही दिन क्रैश कराते हैं मार्केट, और गवर्नमेंट उसमें कुछ इंटरवीन नहीं कर सकता। कभी भी इंडियन मार्केट में, शेयर मार्केट में वो चाहते हैं तो मार्केट क्रैश होता है, वो चाहते हैं तो मार्केट राइज होता है, वो चाहते हैं तो इंडेक्स ऊपर आता है, वो चाहते हैं तो गिरता है। और इंडियन मार्केट में फॉरेन कंपनीज के कंट्रोल हो जाने से मार्केट में जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो सभी भारत से अभी बाहर जाता है, क्योंकि सभी फॉरेन कंपनीज शेयर मार्केट में बिजनेस करेगा वो जितना भी प्रॉफिट बनाता है वो सभी भारत से लेके जाता है। और ये जो प्रॉफिट है शेयर मार्केट से, वो एक पैसा भी उसका टैक्स पे नहीं करता। विदाउट पेइंग सिंगल पैसा ऑफ टैक्स दे आर टेकिंग थाउजेंड्स ऑफ करोड़ फ्रॉम अवर शेयर मार्केट। एक पैसा भी वो कॉरपोरेट टैक्स नहीं देता, इनकम टैक्स नहीं देता, कोई भी टैक्स पे नहीं करता। तो टैक्स चोरी करके थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपए शेयर मार्केट से पर ईयर वो लेके जाता है। शेयर मार्केट में मैं अभी स्टडी किया, 1991 का पूर्व भारत का जो शेयर मार्केट था उसमें फॉरेन कंपनीज मैक्सिमम 20-25 फॉरेन कंपनीज था इंडियन शेयर मार्केट में। अभी आफ्टर 1991, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, भारत का शेयर मार्केट में 1500 फॉरेन कंपनीज हो गया, 1500 फॉरेन कंपनीज हो गया। बिफोर 1991 भारतीय शेयर बाजार से फॉरेन कंपनीज का जो नेट प्रॉफिट था वो मैक्सिमम 250 करोड़, 260 करोड़, मैक्सिमम 300 करोड़, 300 कोटि रुपए तक वो लेता था। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन इंडियन शेयर मार्केट से फॉरेन कंपनीज का नेट प्रॉफिट 15,000 करोड़ रुपीज, मिनिमम 15,000 करोड़। और कभी कभी जब मार्केट क्रैश होता है तभी उनका प्रॉफिट 40,000-50,000 करोड़ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपको याद है लास्ट ईयर हमारा देश में इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट इलेक्शन। तो पार्लियामेंट इलेक्शन में मई में 15th मई को भारत देश में पूरा देश के लिए मतगणना हुआ। मतगणना के बाद भारत देश में ऐसा पता चला कि कोई भी क्लियर मेजोरिटी का गवर्नमेंट नहीं आने वाला, किसी भी पार्टी को कंप्लीट मेजोरिटी नहीं मिला, कांग्रेस को नहीं, बीजेपी को नहीं, जनता दल को नहीं, कोई भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं हुआ। वही समय में ये समझ में आया कि अभी कोई कोलिशन गवर्नमेंट आएगा, ठीक है, 15th मई को कोलिशन गवर्नमेंट आने का चांसेस है, और 17th मई को क्लियर हुआ कि कोलिशन गवर्नमेंट कांग्रेस का आने वाला है। विद इन 3 days 15th, 16th and 17th मई फॉरेन कंपनीज ने इंडियन शेयर मार्केट को क्रैश किया। और क्रैश किया तो उसका लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था कि भारत में माहिती नहीं किसका गवर्नमेंट आएगा, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को बेस बनाकर उन्होंने मार्केट को क्रैश किया। और मार्केट को क्रैश कैसे किया? जो मार्केट को वो टॉप पर लेके गया था उसमें से सारा इन्वेस्टमेंट विड्रॉ किया, और इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करके उनका जो होम कंट्रीज है
जो गृह देश है वहां पर सारा ट्रांसफर किया, मार्केट क्रैश हुआ। विद इन 3 डेज उन्होंने मार्केट क्रैश कराया और मार्केट 2000 पॉइंट, 2500 पॉइंट, 3000 पॉइंट तक क्रैश हुआ। और ये क्रैश होने में फॉरेन कंपनीज को मोर दिवस में विद इन 3 डेज 48,000 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट हो गया, 48,000 करोड़ का प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट हुआ उनको? प्रॉफिट ऐसे हुआ कि उन्होंने शेयर मार्केट से जो शेयर्स परचेज किया था बहुत चीप प्राइस में, फिर जब ही मार्केट बहुत ऊपर आया, टॉप पे हुआ, तो वही शेयर को हाई प्राइस में सेल करके थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज वो साइफन कर। फॉर एग्जांपल उन्होंने वन दो शेयर परचेज किया 50 रुपीज और जो दिन मार्केट क्रैश हुआ उस दिन वन दो शेयर सेल किया 5000 रुपीज, 50 रुपीज में परचेज किया, 5000 रुपीज में सेल किया, पर शेयर आप सोचिए नेट प्रॉफिट कितना। और ऐसा मिलियंस ऑफ शेयर्स उन्होंने परचेज किया और सेल किया विद इन 3 डेज, तो 48,000 करोड़ रुपीज यहां से ले लिया उन्होंने विदाउट पेइंग अ सिंगल पैसा ऑफ टैक्स। कुछ टैक्स देता नहीं शेयर मार्केट, वो कैसे टैक्स कैसे बचाता है शेयर मार्केट में, वो टैक्स ऐसे बचाता है, भारत सरकार का मॉरिशस सरकार से वन दो एग्रीमेंट है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी। ये एग्रीमेंट भारत सरकार और मॉरिशस सरकार ने आपस में किया 1983-84 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। ये एग्रीमेंट का कंडीशन है भारत में कोई भी मॉरिशस कंपनी बिजनेस करेगा तो उसको इनकम टैक्स फ्री होगा, कॉरपोरेट टैक्स फ्री होगा, डायरेक्ट टैक्स उसको फ्री होगा, डायरेक्ट टैक्स उसको जीरो होगा। सिमिलरली भारतीय कंपनी मॉरिशस में बिजनेस करेगा तो उसको डायरेक्ट टैक्स फ्री होगा। तो भारत और मॉरिशस का कंपनीज को एक दूसरे का देश में डायरेक्ट टैक्स नहीं देना, इसके लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी 1983 में साइन हुआ। यह ट्रीटी साइन किया था मिसेस गांधी ने। ट्रीटी साइन करने के पीछे क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था भारत मॉरिशस का मित्रता जास्ती करना, दोस्ती जास्ती करना, फ्रेंडशिप जास्ती करना, क्योंकि मॉरिशस और भारत एक ही संस्कृति का, एक ही कल्चर का देश है, दोनों देश का सिविलाइजेशन सेम। तो जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ तो उसका उद्देश्य था मॉरिशस कंपनी को भारत में प्रमोट करना, भारतीय कंपनी को मॉरिशस में प्रमोट। अभी क्या हो गया, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन इस ट्रीटी का मिसयूज किया फॉरेन कंपनीज, अमेरिकन यूरोपियन कंपनीज ने इसको मिसयूज किया, दुरुपयोग किया। और इसको दुरुपयोग क्या किया, जितना भी अमेरिकन यूरोपियन कंपनीज भारतीय शेयर मार्केट में बिजनेस करता है वो सभी ने भारत में वाया मॉरिशस एंट्री किया। वो क्या करता है, पहले अमेरिकन कंपनी मॉरिशस जाता है, मॉरिशस में अपना एक छोटा कंपनी फॉर्म करता है, एक कंपनी बनाता, वो कंपनी भारतीय शेयर मार्केट में एंटर करता है, तो भारत में जो एंट्री होता है उसका वो एज ए मॉरिशस कंपनी एंट्री होता है। और वो बेसिकली अमेरिकन कंपनी है, यूरोपियन कंपनी है, वो डायरेक्ट भारत में नहीं आता, पहले मॉरिशस जाता है, मॉरिशस से भारत में आता है। तो भारत का जो रिकॉर्ड्स है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है, उसमें उसका एंट्री एज ए मॉरिशस कंपनी है, और मॉरिशस कंपनी को भारत में डायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो वो एक पैसा भी टैक्स पे नहीं करता और थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज यहां से लेके जाते। ये चीटिंग हमारे देश में वो करते। तो शेयर मार्केट में जितना भी फॉरेन कंपनीज है सभी का एंट्री वाया मॉरिशस है और थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज यहां से साइफन ऑफ होता है और यहां से लेके जाता है। और शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा चीटिंग होता है भारतीय इन्वेस्टर्स का और स्मॉल स्केल इन्वेस्टर्स का। स्मॉल स्केल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो अपना खून पसीने का कमाई शेयर मार्केट में लगाते हैं, लगाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मार्केट अभी चढ़ता है चढ़ता है, इसमें से गेन होगा, पैसा आएगा, उनको माहिती नहीं है कि कोई भी दिन क्रैश करता है। और जो दिन वो क्रैश करता है वो टाइम पे मल्टीनेशनल कंपनीज अपने मिलियंस ऑफ शेयर्स बेचते हैं क्रैश होने से पहले। सपोज करिए मार्केट क्रैश होने वाला है नेक्स्ट डे, तो आज शाम को वो सभी शेयर्स बेच देगा, उसको मालूम होता है कि कल मार्केट क्रैश होने वाला है। और इंडियन स्मॉल स्केल इन्वेस्टर्स को माहिती नहीं है, कोई उसको बताने वाला नहीं है कि मार्केट कभी क्रैश होने वाला है, तो वो सारे शेयर्स बेचकर प्रॉफिट कमा के सब यहां से लेके जाता और वो प्रॉफिट में एक पैसा भी टैक्स पे नहीं करता और सारा यहां से चला जाता है। 15th में, 16th में, 17th में 2004 को
48,000 करोड़ रुपीज उन्होंने भारत से लूट लिया। ऐसे होता तो ग्लोबलाइजेशन के पूर्व भारत में ऐसा नहीं होता था, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन भारत का भयंकर लूट अभी स्टार्ट हो गया। सिमिलरली अभी जो फॉरेन बैंक्स आ गया भारत देश में, उनका जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया एचडीएफसी बैंक आया, उनका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। मैंने एचडीएफसी बैंक का थोड़ा केस स्टडी किया, तो फर्स्ट टाइम जब ये बैंक भारत में आया तो वो बैंक का मैंने आपसे कहा जीरो इन्वेस्टमेंट से उन्होंने सारा बिजनेस शुरू किया, जीरो डिपॉजिट था उनका, कुछ डिपॉजिट उनके पास नहीं था, कोई भी भारतीय लोग उसमें अपना कोई भी अकाउंट ओपन करने को तैयार नहीं था क्योंकि भारतीय लोगों को भरोसा नहीं था। बाद में मनमोहन सिंह एज ए फाइनेंस मिनिस्टर भारत की संसद में बार बार बोला फॉरेन बैंक्स को हम इनवाइट करता है, बहुत अच्छा है, सर्विसेज देगा, क्वालिटी देगा, भारत की बैंक इतना अच्छा सर्विस नहीं देते, क्वालिटी नहीं देते, अभी ये फॉरेन बैंक आकर क्वालिटी देगा, सर्विसेज देगा, ऐसा बोल बोलकर जो क्रीमी लेयर इंडस्ट्रियलिस्ट है और बिजनेसमैन है, क्रीमी लेयर मींस जिनका ईयरली इनकम मोर देन 1 करोड़ रुपीज है, ऐसा भारत में 53,000 हाउसेज है, 53,000 फैमिलीज है जिनका ईयरली इनकम मोर देन 1 करोड़ रुपीज है, 1 करोड़ रुपए से जास्ती जिनका इनकम है, ऐसे 53,000 फैमिलीज है। तो ये जो 53,000 फैमिलीज है ये क्रीमी लेयर है हमारा सोसाइटी का। हमारा भारत का फाइनेंस मिनिस्टर ने, कॉमर्स मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने इनको प्रवोक किया, प्रमोट किया कि आपका अकाउंट फॉरेन बैंक में ओपन करना, बार 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 वो धीरे 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 उन्होंने अकाउंट ओपन करना शुरू किया और आज भारत का एक ही फॉरेन बैंक के पास 70,000 करोड़ का डिपॉजिट आ गया एचडीएफसी का। इसी तरह से सिटी बैंक आया, अमेरिकन सिटी बैंक आया, अमेरिकन एक्सप्रेस आया, एबीएन एम्ब्रो बैंक आया, एएनजेड ग्रिंडलेज आया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड आया और ये सभी बैंक्स के पास अभी भारत देश का मिनिमम 2 लाख करोड़ रुपीज का डिपॉजिट आ चुका, 1.5 लाख करोड़ रुपए से जास्ती डिपॉजिट ये बैंक में आ गया। ये डिपॉजिट किसका है? भारत का जो क्रीमी लेयर है ना उसका है। अभी ये लोग क्या सर्विसेज देता है? वो सर्विसेज देता है ऐसा जो भारत का कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं दे सकता, ऐसा सर्विसेज वो देता है। वो सर्विसेज कैसा देता है? मैं अभी एक बार एचडीएफसी बैंक का एक एजेंट को बात किया, तुम लोग क्या सर्विसेज देता है? उसने कहा आप हमारा बैंक में अकाउंट रखेगा तो हम आपका बिजली का बिल भर देगा, आपका टेलीफोन बिल भर देगा, आपको कोई रजिस्टर्ड पोस्ट करना है वो हम आपका करा के देगा, आपको हाउस टैक्स भरना है वो हम करा के देगा, आपको टेलीफोन रिपेयर कराना है वो हम करा के देगा, ऐसा कुछ भी आप बोलेगा, आपका घर से ग्रोसरी शॉप में कुछ लेके आना है हम करके देगा, ऐसा वो सर्विसेज देता है। और भारत का ये जो क्रीमी लेयर है इसको टेलीफोन बिल डिपॉजिट करने का टाइम नहीं है, वो कहता हाँ बहुत अच्छा है चलो इसका सर्विस लेने का, उसको जो है कहीं पोस्ट ऑफिस जाने का टाइम नहीं है इसका सर्विस लेने का, वो अपने बैंक के काउंटर में एक किसी लड़की को बिठाता है, वो हाफ नेकेड होता है, ऊपर से वस्त्र नहीं होता है, नीचे भी वस्त्र कम होता है, ऊपर भी वस्त्र कम होता है, ऐसा हाफ नेकेड कोई उनके काउंटर में बैठता है, वो बहुत स्माइल करेगा, वो फोकट का स्माइल नहीं होता है, बहुत खतरनाक स्माइल होता है, लेकिन वो ऐसा स्माइल करेगा, भारत का इडियट क्लास का आदमी जाएगा वो उसी में मर जाएगा, देखो कितना सुंदर छोकरी बिठाया, लड़की बिठाया, अभी हम ये बैंक में अकाउंट ओपन करेगा, ऐसा वो सर्विसेज देता है। अर्थात आपका जो माइंड में लोअर इंस्टिंक्ट है, लोअर इंस्टिंक्ट माने सेक्स से रिलेटेड जो भी इंस्टिंक्ट है वो लोअर इंस्टिंक्ट है, और वो लोअर इंस्टिंक्ट को हिट करके आपको प्रवोक करके वो आपके बैंक में अपना माने आपको उसके बैंक में अकाउंट खोलने के लिए प्रेरित कर देता है, इस तरह से वो होता है। लेकिन उनका सर्विसेज कितना खतरनाक है उसमें आप जरा देखो, वो क्या करता है, आपको अकाउंट यदि ओपन करना है तो जो मिनिमम अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा वो भारत के किसी भी नेशनलाइज बैंक से बहुत जास्ती होता है, इतना कम से आप अकाउंट ही ओपन नहीं कर सकता, हो सकता है 10,000 रुपीज, 50,000, 40,000, 35,000, 25,000, ऐसा उनका एक अमाउंट फिक्स होगा, उससे कम में सपोज करिए आपके हाथ में 100 रुपए है तो आप फॉरेन बैंक में अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, आपके लिए है ही नहीं फॉरेन बैंक, 100 रुपए में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन कर सकता है या बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कर सकता है या
मैसूर बैंक में कर सकता है या कोई भी स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में कर सकता है, लेकिन फॉरेन बैंक आपको 100 रुपीज में अकाउंट ओपन करके नहीं देगा। एक और मिनिमम अकाउंट जो रखना है, मेंटेन करना है, वो भी फॉरेन बैंक का लिमिट स्वदेशी बैंक से बहुत जास्ती है। थर्ड तो सबसे प्रॉब्लम क्या है कि वो आपसे जो डिपॉजिट ले रहा है वो डिपॉजिट को कहाँ इन्वेस्ट करेगा ये उसको माहिती है या उसका कंट्रोल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता कि आपका पास जो डिपॉजिट है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, रेलवे में इन्वेस्ट करना, या तो रोड्स में इन्वेस्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट करना, या तो कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जिससे भारतीय नागरिकों को सुविधा मिलता। ऐसा नहीं, वो डिपॉजिट को कहां इन्वेस्ट करेगा वो कंट्रोल उसके हाथ। सेविंग्स आपका है, डोमेस्टिक सेविंग्स आपका है, कंट्रोल उसके हाथ में। अभी सपोज करिए फॉरेन बैंक आता है और आपका डोमेस्टिक सेविंग्स लेके अमेरिकन मल्टीनेशनल्स में इन्वेस्ट करता है, आप कुछ नहीं कर सकता। तो आपके सेविंग से वो बैंक का भी प्रॉफिट बढ़ रहा है और अमेरिकन मल्टीनेशनल का भी प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेविंग्स आपका है। और ये फॉरेन बैंक्स को भारत में लाने के पीछे बहुत बड़ा एक गेम है। गेम क्या है, 1991 से भारत में जब से फॉरेन कंपनीज आया, इनको तो इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन वो अमेरिका से पैसा लेके नहीं आता इन्वेस्टमेंट के, वो भारत से ही पैसा लेके इन्वेस्ट करता है। थाउजेंड्स ऑफ मल्टीनेशनल्स भारत में ऐसे हैं जिनका मैंने केस स्टडी किया है, वो कभी भी अपने देश में से कुछ इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी है, कोका कोला है, कॉलगेट पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, सीवा गायकी, सेंडोज, फाइजर, हेक्स्ट, जर्मन रेमेडीज, अमेरिकन रेमेडीज, एली लिली, मैकडोनल्ड, केंटकी फ्राइड चिकन, मॉन्सेंटो, कारगिल, ये सभी जो अमेरिकन कंपनीज है, ये भारत में जब ही आता है तो वो अपने साथ इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आता। मैक्सिमम 5% वो अपने देश से लेके आता। सपोज करिए उन्होंने भारत देश में 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाए, तो मैक्सिमम 5 करोड़ रुपीज वो अमेरिका से लाएगा, 95 करोड़ रुपीज भारत से लेगा। 95% जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत से लेगा। कहां से लेगा? शेयर मार्केट से लेगा, डिबेंचर मार्केट से लेगा और फॉरेन बैंक से लोन लेगा। भारत में जो फॉरेन बैंक्स का बहुत सारे ब्रांचेस है उससे वो लोन लेगा 95% के लिए, और वो लोन जो देगा फॉरेन बैंक्स उसका डिपॉजिट वो कहां से आया? वो भारतीय नागरिक का डिपॉजिट है। तो भारत के नागरिक का खून पसीने के कमाई का, डोमेस्टिक सेविंग्स का सारा यूटिलाइजेशन फॉरेन बैंक्स के थ्रू विदेशी कंपनी करता है। इन्वेस्टमेंट हमारा, प्रॉफिट उनका, हमारा डोमेस्टिक सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट अमेरिकन कंपनीज को, प्रॉफिट अमेरिकन बैंक्स को, और वो बैंक बीच का उनसे इंटरेस्ट लेके बाकी सारा पूंजी उनको दे देता। तो अमेरिकन कंपनीज को भारत में आकर अमेरिका से कुछ लाने का जरूरत नहीं है, वो भारत में जो अमेरिकन बैंक काम कर रहा है वो अमेरिकन बैंक उनको प्लेटफॉर्म दे देता है। तो ये जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो फॉरेन कंपनीज जब आता है तो उसका साथ फॉरेन बैंक इसलिए आता है ताकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट उससे मिले। इंडियन बैंक्स फॉरेन कंपनीज को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इंडियन बैंक्स जो है ना रिजर्व बैंक के गाइडलाइन में काम करता है और गवर्नमेंट की पॉलिसी को काम बैंक को करना पड़ता है। भारत का गवर्नमेंट का सपोज करिए पॉलिसी है कि मैक्सिमम क्रेडिट, मैक्सिमम लोन फार्मर्स को देना, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जास्ती से जास्ती लोन फार्मर्स को देगा। सपोज करिए गवर्नमेंट पॉलिसी है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन देना, तो भारत का बैंक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन देगा। इसी तरह गवर्नमेंट पॉलिसी आया कि सुनामी अफेक्टेड एरिया, भारत देश का साउथ इंडिया अभी जहां पे अर्थक्वेक हुआ, भूकंप हुआ, ये इलाके को मैक्सिमम लोन देना। अभी स्टेट बैंक को स्टार्ट किया है तमिलनाडु में, और जितना भी लोकल बैंक है उनको भी इंस्ट्रक्शन दिया है प्राइम मिनिस्टर ने कि आप लोन देगा, लेकिन कोई फॉरेन बैंक लोन देने को तैयार नहीं है सुनामी अफेक्टेड एरिया। वो क्लियरली ओपनली बोल दिया, जब भी भारत सरकार का प्राइम मिनिस्टर ने अपील किया, भारतीय बैंकों को अपील किया कि भारतीय बैंक ज्यादा से ज्यादा सुनामी अफेक्टेड पीपल को लोन देना है और उनको इंटरेस्ट रेट कम देना है, तो भारत का बैंक ने स्टार्ट किया, स्टेट बैंक ने स्टार्ट किया, पंजाब नेशनल बैंक ने स्टार्ट किया, कैनरा बैंक ने स्टार्ट किया, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, सभी ने स्टार्ट कर दिया। वहां पर फॉरेन बैंक बोलता है हम नहीं देगा, तो प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता उसके।
ओपनली बोल दिया उसने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कह दिया, हम सुनामी अफेक्टेड पीपल को लोन देने के लिए भारत में नहीं आया, हम बिजनेस करने आया। क्योंकि सुनामी अफेक्टेड पीपल को लोन देना माने 50-50 चांस है, लोन वापस भी आ सकता है, डूब भी सकता है, 50-50 है ना। अभी नेक्स्ट टाइम फिर से कोई सुनामी आएगा तब क्या होगा, तो जो लोन दिया वो डूबने ही वाला है, गवर्नमेंट उसको फिर पे करेगा, रिजर्व बैंक के मदद से गवर्नमेंट पे करेगा, ऐसे ही होने वाला। फॉरेन बैंक कहता हमको गारंटी नहीं है लोन रिटर्न होने का, इसलिए हम नहीं देता। अभी वो फॉरेन बैंक्स में हमारा ही डिपॉजिट है, लेकिन हमारे देश को जब ही जरूरत है वो डिपॉजिट हमारे काम नहीं आने वाला। सिमिलरली मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, 2001 में गुजरात अर्थक्वेक हुआ था कच्छ में, वो टाइम में भी भारत का बहुत सारा नागरिक जॉबलेस हुआ था, होमलेस हुआ था, साविरारू नागरिकों का डेथ हुआ था, वो टाइम भी मैं वहां सेवा कार्य करने के लिए गया था। तभी भारतीय बैंक ने वहां के सभी नागरिकों को हाउस लोन दिया, घर बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए लोन दिया, और इंटरेस्ट रेट वेरी चीप, 5.6%, 5%, 6%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज लोन डिस्ट्रीब्यूट किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, और गुजरात का जो कोऑपरेटिव बैंक है उन्होंने, और भारत का अदर नेशनल बैंक्स ने लोन दिया। फॉरेन कंपनीज को, फॉरेन बैंक्स को जब गवर्नमेंट में अपील किया तो उन्होंने मना कर दिया, हम ये रेट में नहीं दे सकता, हमारा इंटरेस्ट रेट 10% से कम में हम हाउस लोन दे नहीं सकता, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर सकता। तो तकलीफ का बात यह है और समझने का बात यह है कि वो फॉरेन बैंक्स में डिपॉजिट भारतीय नागरिकों का है, जब भी भारतीय नागरिकों को मदद का आवश्यकता है वो मना कर देगा, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। और जहां भी फॉरेन बैंक्स है वो ऐसे टाइम पे कोई मदद नहीं करता, आपका देश में अर्थक्वेक आएगा वो कोई हेल्प नहीं करेगा। अभी देखिए अर्थक्वेक आया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बहुत सारा कर्मचारियों ने वन डे सैलरी अपना देना शुरू किया है, पंजाब नेशनल बैंक ने दिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने दिया, सभी बैंक अभी देगा। नेक्स्ट 4-5 मंथ्स में भारत का सभी बैंक ऑफिसर, सर सिटी बैंक ऑफ इंडिया का कोई ऑफिसर देने वाला नहीं, एचडीएफसी बैंक का ऑफिसर एक पैसा भी देने वाला नहीं, एचएसबीसी बैंक का ऑफिसर 1-10 पैसा भी देने वाला नहीं वहां पर। वो बोलता है हम भारत का सेवा करने नहीं आया, हम भारत में प्रॉफिट बनाने आया, और हमारा जो मूर्ख पॉलिटिशियंस है उसको ये समझता नहीं है कि ये ग्लोबलाइजेशन का सारा प्रॉफिट क्रीमी लेयर का मदद से भारत से बाहर जाने वाला है, भारत का काम नहीं आने वाला। तो और भारत देश में ये फॉरेन बैंक्स और फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी का इतना जास्ती क्यों आने का है, काय को वो भारत में इतना आता है, कारण उसका ये है कि भारत दुनिया का ऐसा देश है जहां डोमेस्टिक सेविंग्स रेट हाइएस्ट। भारतीय नागरिक का टेंडेंसी क्या है, अगर वो 500 रुपए कमाएगा तो मिनिमम 400 रुपीज डिपॉजिट करेगा, ये उसका टेंडेंसी है। तो वो क्या करता है, सेविंग्स बहुत करता है, वो सेविंग्स कहीं ना कहीं डिपॉजिट करेगा, बैंक में डिपॉजिट करेगा, इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू कोई पॉलिसी लेकर उनको देगा प्रीमियम के रूप में, नहीं तो हमारा पोस्ट ऑफिस का जो बहुत सारा पॉलिसीज है स्मॉल सेविंग्स का उसमें इन्वेस्ट करेगा, कहीं ना कहीं तो वो पैसा रखता है। भारतीय नागरिक अगर 500 रुपीज बनाता है, कमाता है, तो 400 रुपीज उसमें बचत करता है, सेविंग्स करता है, ये उसका टेंडेंसी है। ये रेट दुनिया में हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट रेट है चाइना में, फर्स्ट भारत में, सेकंड चाइना में। तो हमारे यहाँ चूंकि डोमेस्टिक सेविंग्स बहुत है, ये माहिती फॉरेन बैंक्स को है कि भारत में सेविंग्स बहुत है, इसलिए वो भारत में आ रहा है, बहुत जास्ती सेविंग्स है, और यहां ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम है, बैंक को ऑपरेट करने का जो कॉस्ट होता है वो बहुत कम है। मैंने बहुत